कैन योर फिश ड्राइव? दोस्तों आप लोगों ने नॉर्मली बंदर को गाड़ी चलाते हुए देखा होगा, इसी के साथ में कुत्ते और बिल्ली को भी अलग अलग कारनामे करते हुए देखा होगा, पर लेकिन आज यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को जानने को मिलेगा कि पानी के अंदर रहने वाला जीव भी ड्राइव कर सकता है। जी हाँ, पहली बार दुनिया में कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया कि पानी के अंदर रहने वाला जो जीव है उसको भी ट्रेन किया जा सकता है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, अगर सर्कस के अंदर बात करें, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जानवर हम लोग ट्रेन कर लेते हैं, पर लेकिन यहाँ पर एक मछली को ट्रेन कर दिया गया। कैसे ट्रेन किया गया? जैसे आप लोगों को यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में ये एक पिंक कलर की पट्टी दिख रही होगी, तो क्या होता है बेसिकली फिश को ट्रेन किया जाता है कि अगर वो उस पिंक कलर की पट्टी तक चीजों को लेकर जाएगी तो उसको रिवार्ड मिलेगा। मतलब रिवॉर्ड में क्या मिलेगा कि कुछ उसको जो खाने में टेस्टी चीजें लगती है वो चीजें उसको प्रोवाइड करा देना, तो कुछ और भी जो उसको लगे इंटरेस्टिंग चीजें, जो उसको मतलब जो भी उसको अच्छा लगे वो चीज प्रोवाइड करा देना। तो इससे इंसान की भी आदतों को ट्रेन करते हुए आप लोगों ने कई बार देखा होगा, इंसानों के द्वारा कई सारी जो कुत्ते बिल्ली बंदर हाथी या फिर जो भी जानवर उसके पास में रहते हैं उनको ट्रेन करते हुए देखा होगा। इसी तरीके से यहाँ पर ट्रेन किया गया है अभी यहाँ पर मछली को, किसी भी कोने में अगर आप लोग इसको ले जाकर रखोगे ये यहाँ से घूमकर तुरंत वहीं पर आएगी उस पर्टिकुलर पट्टी की ओर को। तो ये काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट रिसेंटली अभी यहाँ पर देखने को मिला, जिसके बारे में मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में इसको शेयर करना चाहिए। तो देखो यार, आज की डेट में जब हर एक चीज को ट्रेन किया जा सकता है तो आप लोग अपने आप को भी हर एक लेवल पर ट्रेन कर सकते हो, जब हम लोग इस तरीके से जीव जंतुओं को ट्रेन कर सकते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से आप लोग अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए। जैसे कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पेपर दिया गया, तो इसमें टोटल मिलाकर 20 क्वेश्चन थे। आप लोगों ने सारे क्वेश्चन देखे, मैक्सिमम क्वेश्चन हुए थे जो कि हम लोग वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज की डेट में हर एक क्वेश्चन के बारे में आप लोग कुछ ना कुछ जानते होंगे, आप लोग कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा कि यार ये कहां से आ गया, हमारी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं, ये डेली रेगुलर जब आप लोग अपनी ट्रेनिंग करते हैं, डेली रेगुलर जब आप लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे आप लोग के अंदर ये हुनर आता है। तो कभी भी अगर लाइफ में आप लोग कुछ अचीव करना है ना, तो आप लोगों को अपने एक पाथ में अपने आप को ढालना पड़ेगा, तभी आप लोग जाकर उस चीज को अचीव कर पाओगे। तो जो डेली आप लोगों को आंसर राइटिंग के मैं क्वेश्चन देता हूं उनको आप लोग जरूर प्रैक्टिस करो, अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं किसी भी एग्जाम को निकालना, खासकर जिसमें आंसर राइटिंग के बारे में बात की जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एडिटोरियल बिल्कुल भी नहीं आप लोगों को छोड़ने, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन करंट के आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। एक बार को पेपर के अंदर आप लोग नजर डालकर जरूर देखेगा, आप लोग समझ पाएंगे कि किस लेवल पर हम लोग यहां पर डिस्कशन करते हैं। और जब एक बार आप लोगों का कॉन्फिडेंस यूपीएससी जैसे पेपर में एक बार आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो फिर तो यार कोई एग्जाम आप लोगों के सामने टिकेगा ही नहीं, ऐसे आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के सामने यहां पर अगर बात करें हम लोग यहां पर गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, तो बड़ी ही एक शानदार यहां पर कोटेशन आप लोगों के सामने है, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1,25,000 से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। तो नॉर्मली अगर आप लोग देख सकते हैं ये कोटेशन आप लोगों ने सुनी होगी कि कभी भी अपना हौसला इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे सामने कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो, कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो लाइफ में, सारी चीजें जो है वो आती जाती रहती हैं, पर लेकिन अगर आप लोग अपनी जिंदगी को रियलिटी में एक सही डायरेक्शन सही डायमेंशन देना चाहते हैं, तो ये चीज आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी ही करनी पड़ेगी कि हाँ यार आज की डेट में हमको हर एक समस्या से जूझ कर आगे बढ़ना है, और समस्याएं छोटी छोटी हो चाहे बड़ी बड़ी हो, आप लोग अगर एक बार को ठान लो कि हाँ यार इनको पार करके निकलना ही निकलना है, तो फिर आप लोग पार करके निकल ही जाते हैं। आज ही के दिन जो है 9 जनवरी को आप लोगों का प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ये प्रवासी भारतीय दिवस हमारे देश के जो सबसे बड़े प्रवासी थे उनके नाम पर सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप लोगों से बोला जाए कि सबसे बड़े प्रवासी कौन थे, जो कि विदेशों से इंडिया में आए थे, विदेशों में जब काफी कारनामे वो अपने कर चुके थे, एक तरीके से अंग्रेजों को कई तरीके से मुंह की खिला चुके थे, उसके बाद में फिर इंडिया में वापस आए, नाम था महात्मा गांधी जी। साउथ अफ्रीका से चले थे और बॉम्बे में जाकर इंडिया में 9th जनवरी 1915 यानी कि 1915 में वो यहां पर जब उतरे थे मुंबई में जाकर, तो यहां पर फिर यहां से इनकी जर्नी जो हुई वो इंडिया के लिए स्टार्ट हुई, इन्होंने यहां से फिर अपना फेज जो है वो इंडिया के अंदर स्टार्ट किया। इसीलिए यहां पर आप लोगों ने देखा होगा गांधीयन फेज भी जो मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों को देखने को मिलता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो इसके बाद में फिर पहले ये इंडिया के अंदर आए, इंडिया के अंदर घूमे, पूरे देश को जाना अच्छे से समझा, फिर यहां पर इनके द्वारा समस्या की जड़ को पकड़ा गया और उसके बाद में फिर ये चीजों को आगे लेकर चले। तो इसीलिए हमारे देश में 9th जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस हम लोगों ने जो सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था वो किया था 2003 में। 2003 से लेकर 2015 तक हम लोग इसको एनुअली सेलिब्रेट करते रहे, फिर 2015 में आकर लगने लगा कि यार इसको एनुअली नहीं, इसको साल 2 साल में एक बार सेलिब्रेट करते हैं, फिर यहां पर इसको 2 साल में एक बार सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। इसका बेसिक पर्पज ये रहता है कि हमारे देश की जो जनता है जो भी विदेशों में रह रही है आज के डेट में,
वो पूरी की पूरी जनता जो है वो किसी न किसी तरीके से हमारे देश में यानी कि अपने प्यारी कंट्री में कंट्रीब्यूशन देती है, वो अलग अलग तरीके से। जैसे आप लोगों को पता होगा हमारे देश में आज की डेट में सबसे ज्यादा रेमिटेंस हमारे देश में अचीव होता है। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, जब कोई भी भारतीय विदेश में रहता है और वहां से अपने घर वापस पैसा भेजता है तो उसको हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं। तो वो जो पैसा हमारे देश के अंदर आता है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है, तो इसलिए उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी है प्रवासी भारतीयों का उसको भी हम लोग यहाँ पर याद करते हैं आज ही के दिन जो कि 9 जनवरी आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप हम लोग सेलिब्रेट करेंगे 9 जनवरी को ही यहां पर गुरु गोविंद जी की जयंती। तो जो गुरु गोविंद जी की जो जयंती है यहां पर वो अब की बार 9 जनवरी को यहां पर सेलिब्रेट की जाएगी। तो 10वें सिख गुरु थे गुरु गोविंद जी और इसी के साथ में यहां पर लास्ट सिख गुरु भी थे, तो इनके बारे में आप लोगों को ये कुछ इंफॉर्मेशन जरूर याद रखनी है। यहां पर इनके बाद में जो है वो जो एक तरीके से इंसानों को गुरु बनाने का जो एक पैटर्न चला हुआ रहा था वो यहां पर कहीं ना कहीं बंद हो गया। यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि गुरु गोविंद सिंह के बाद में यहां पर 10th जो गुरु यहां पर ये थे ये आखिरी गुरु आप लोगों को यहां पर देखने को मिले थे एज ए पर्सन। इनके बाद में गुरु ग्रंथ साहिब को यहां पर जो एक तरीके से नेक्स्ट गुरु के तौर पर यहां पर एक तरीके से नॉमिनेट कर दिया गया। उसके बाद में फिर जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग जो बेसिकली जो किताबें होती हैं उनकी पूजा की जाती है, उनमें अलग अलग जो धर्म के अनुयायियों के द्वारा अपने अपने धर्म को फॉलो करने से रिलेटेड बहुत सारे सिद्धांत लिखे हुए हैं जो कि हमारी जिंदगी को और ज्यादा इंप्रूव करने का काम करते हैं। तो उसको हम लोगों ने समझते समझते आगे चलकर उन किताबों को बेसिकली जिंदगी का पार्ट बना लिया और उन्हीं को हम लोग फॉलो करने लगे ऐसे गुरु के तौर पर। तो इसीलिए अब यहां पर जो 10th गुरु जी के बाद में यहां पर गुरु ग्रंथ साहिब जी को यहां पर एज ए नेक्स्ट गुरु के तरीके से ट्रीट किया जाता है। ये कुछ बातें आई होप कि आप लोग को बिल्कुल कंफर्म होगी, तो इनके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। हिस्ट्री में कई बार कल्चर का पोर्शन आप लोगों का बन जाता है तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 9th जनवरी काफी शानदार आज का ये डिस्कशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ हम लोगों ने सब दी, अब आज जो है एडिटोरियल नहीं होते, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा जिसके चलते आप लोग बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिगर जान पाएंगे, खासकर जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों की होती है। पर लेकिन इसी के साथ में आप लोगों के सामने पहले मैं कुछ क्वेश्चन रख रहा हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर बात की जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, कई बार ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने एग्जाम में देखने को मिल जाती है और फिर पूछ लेते हैं कि बताओ ये पर्टिकुलर किस चीज से रिलेटेड है, यानी कौन से तरीके का ये अनएम्प्लॉयमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। बोला गया कि एक ऐसी घटना एक ऐसा तरीका जहां पर जो एक्चुअल में अगर बात की जाए जो पर्टिकुलर पर्सन है यहां पर जहां पर उसको होना चाहिए वो वहां पर नहीं है और जहां पर नहीं होना चाहिए वो वहां पर है। यानी कि एक तरीके से बहुत कम, एक तरीके से नहीं कहते, बहुत कम एक काम में बहुत सारे लोगों का लगा होना। तो इट इज ए फिनोमिनन वेयर इन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड, यानी कि जरूरत है लोगों की वहां पर 4-5 की पर लेकिन वहां पर लगे हैं 15-20 लोग। तो इस तरीके का अगर कोई इंप्लॉयमेंट है तो वहां पर इसको एक तरीका अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। तो किस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है यहां पर, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, सही आंसर क्या है, ए बी सी या फिर डी, आप लोग बताइए। एक और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, इट इज ए कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट राइजिंग फ्रॉम द मिसमैच बिटवीन जॉब अवेलेबल इन द मार्केट एंड द स्किल ऑफ द अवेलेबल वर्कर इन द मार्केट। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसको जैसी जॉब चाहिए वैसी इस तरीके से जो जॉब चाहिए उसको उस तरीके की बेसिकली जॉब अवेलेबल नहीं है, जैसे उसके पास में स्किल है उसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर कोई ऐसी चीजें लेकर घूम रहा है तो उस वाले अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलेंगे, तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ये चारों के चारों जो भी मैंने आप लोगों को यहां पर नाम बताए बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इनका आप लोग आंसर दीजिए फिर इनके बारे में हम लोग समझेंगे ताकि सारी चीजें जो है वो आप लोग अच्छे से समझ सके। कोई भी माइंड में कंफ्यूजन हो तो वो आप लोग उसको क्लियर करके आगे बढ़ा करो। देखिए जिंदगी में सीखते रहना चाहिए इंसान को, कभी भी अगर आप लोगों ने सीखना बंद कर देना जिस टाइम पर आकर उस टाइम पर सोचेगा कि इंसान जो है वो एक तरीके से रुक गया है और रुका हुआ पानी भी चढ़ जाता है। तो कभी भी जिंदगी में रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहने से ही जिंदगी जो है वो एक सही पैटर्न में चलती है। अगर आप लोगों को लगे ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो फीडबैक आप लोग जरूर दिया करो। फीडबैक देने के कई सारे तरीके होते हैं जो कि यूट्यूब से पता चलता है कि यूट्यूब को यहां पर कि हाँ ये सारी चीजें अच्छी चल रही है। तो आप लोग वीडियो के नीचे आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं, लाइक कर आप लोग फीडबैक दे सकते हैं या फिर शेयर कर, तो इससे वीडियो जो है वो सही डायरेक्शन में चलती है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अरे हाँ, एक और बात आगे बढ़ने से पहले जो कई सारे बच्चों के द्वारा पूछी जा रही है, ये है यहाँ पर एक पर्टिकुलर वीडियो के बारे में जो रिसेंटली अभी वायरल हो रही थी और ये जो टॉपिक था हर एक न्यूज़पेपर के द्वारा कवर किया गया
हुआ क्या था यहाँ पर, आप लोगों को पता है काफी एक फेमस पर्सनैलिटी है जिनका नाम है जावेद हबीब। ये हेयर स्टाइलिस्ट है और जो कि काफी ज्यादा फेमस भी हैं अपने इस पर्टिकुलर फील्ड में और लोगों को ट्रेन भी करते हैं। अभी क्या हुआ, इनके द्वारा एक पर्टिकुलर एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया पब्लिकली, जिसमें इनके द्वारा लोगों को सिखाया जा रहा था कि कैसे जो बाल की कटाई वगैरह वो करने से होती है, ठीक है। तो उसमें क्या किया इन्होंने, पब्लिकली एक जो महिला थी उसके सर में थूका इन्होंने। इन्होंने बोला जब आप लोगों को लगे कि सूखे हैं बाल तो आप लोग इस तरीके से थूक सकते हैं सर के ऊपर और फिर बाल काट सकते हैं अगर पानी नहीं है तो। तो ये ऐसा उदाहरण जैसे इनके द्वारा दिया गया वुमेन के सर में थूक कर, तो ये काफी बड़ा इशू यहां पर निकलकर सामने आया, जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये पर्सनैलिटी पब्लिक स्पेस में ऐसा कुछ करेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग अगर देखेंगे यहां पर तो एक महिला को ऑब्जेक्ट की तरीके से यूज किया जा रहा है, यानी कि तुम कुछ भी करोगे उसकी कोई डिग्निटी नहीं है। तो वो सारी चीजें यहां पर भी सामने निकल कर आई, तो FIR भी दर्ज करने की बात की गई। इसी के लिए जो वुमेन कमीशन था उनके द्वारा भी यहां पर बोला गया कि जल्दी से जल्दी एक कड़ा एक्शन यहां पर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए यार, वास्तव में मतलब मुझे भी पर्सनली अगर बोला जाए ये बिल्कुल भी चीजें अच्छी नहीं लगी। आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हाँ इस तरीके से क्या इस तरीके से कोई ऐसी घटना होनी चाहिए, दुर्घटना होनी चाहिए कोई भी इस तरीके से ऐसे। हालांकि इनके द्वारा बोला गया कि ये बस एक मजाक था, पर लेकिन मजाक की लिमिट होनी चाहिए यार। हर एक इंसान की अपनी खुद की बॉडी है, उसके खुद के राइट है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि आर्टिकल 21 के तहत संविधान के अंदर आप लोगों सबको अपनी खुद की बॉडी आप लोग कैसे रखनी है, वो सारे अधिकार आप लोगों को मिले हुए हैं। राइट टू लाइफ के अंदर आर्टिकल, राइट टू प्राइवेसी के अंदर इसी आर्टिकल के अंदर सारे अधिकार आप लोगों के पास में। कोई ऐसे आप लोग इंसल्ट तो नहीं कर सकता यार कम से कम पब्लिक में। तो सोचो यहां पर अगर आगे चलकर अभी यहां पर इनकी कई बार मजाक बनेगी कि हां ऐसा कुछ इनके साथ में यहां पर देखने को मिला, तो ये अपने आप में ही एक बड़ी ही मतलब अटपटी सी चीज देखने को लगी जो काफी ज्यादा वायरल थी यहाँ पर। इसके ऊपर हो सकता है आगे चलकर कुछ चीजें देखने को मिले, अभी फिलहाल जो है ये एक छोटी न्यूज है जिसके बारे में, छोटी नहीं हालांकि बड़ी बन चुकी है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है यार, कोई ऐसी पोजीशन पर बैठा है तो एक पर्सनैलिटी बन चुका है और एक बीइंग है, एक पब्लिक फिगर, पब्लिक पर्सनैलिटी, कम से कम इंसान को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। अगर मतलब मैं अपना सजेशन दे रहा हूं, हो सकता है आप लोग किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन, देखिए आज है संडे, संडे को थोड़ा सा फंडे भी बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर इसके साथ में कुछ अवेयरनेस की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी और कुछ ऐसे आर्टिकल होंगे जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो सारी चीजें कवर करूंगा, टेंशन नहीं लेना। वीडियो के एंड तक देखना, बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को पहुंचाने वाली है। अभी यहां पर जो पबजी है उसको खेलते हुए रेलवे ट्रैक पर 2 बच्चों की डेथ हो गई। इतने ज्यादा इंडल्स थे वो पबजी के अंदर में कि उनको पता नहीं चला कब में यहां पर रेल आ गई और रेलवे ट्रैक पर थे यहां पर ये। इसी तरीके से सेल्फी लेते हुए यहां पर एक महिला जो थी वो अभी नर्मदा रिवर में गिर गई। नर्मदा रिवर कहां पर, मध्य प्रदेश के अंदर में, तो इसके अंदर यहां पर गिर गई, तो इनकी बॉडी फिर रिकवर की गई। तो आप लोग यहां पर देखते हैं, खासकर अगर बात करूं मोबाइल के बारे में, तो मोबाइल का जो एडिक्शन है वो किस लेवल पर लोगों को लेकर जा रहा है, इसके ऊपर भी टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना चाहिए। और चाइना में भी बच्चे को लेकर जो खासकर गेम जो खेलते हैं उनके ऊपर भी बैन लगाया गया, क्या हम लोग को भी अपने देश में जो बच्चे यहां पर आजकल में गेम खेल रहे हैं उसको रेगुलेट करना चाहिए। तो ये कई सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिनके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं और आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो इसके बारे में एक थॉट जरूर दिया करो आप लोग, अगर कोई ऐसी चीज आती है इसके बारे में, कुछ ऐसी चीज आप लोगों के पास में होनी चाहिए फोटो, ताकि अगर कोई पूछे तो आप लोग वहां पर बता सको, ठीक है। जैसे हमारी कंट्री में अगर आप आज के में बात कर लीजिए, कई सारे चाइनीज ऐप जो है उनको अभी यहां पर बंद किया गया, बहुत सारे जो गेम्स थे यहां पर उनके ऊपर भी कुछ लगाम लगाने की कोशिश की जाए तो कैसा रहेगा। खासकर अगर जैसे चाइना में रेगुलेट किया गया, वीकेंड में आप लोग गेम खेल सकते हैं, वरना आज की डेट में जो बच्चे हैं वो इतने ज्यादा इंडल्ज हो चुके हैं कि एक यूथ जो है जिसको हम लोग यंग कंट्री कहते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जो यंग एज है उसको कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहा है इन सब चक्कर में। आप लोग क्या मानना है इस बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। तो एक ऐसा इशू है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में अभी रिसेंटली कई बार न्यूज में भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर अगर बात करें, अनाउंसमेंट कल निकल कर आया देश के सामने जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर न्यूज में भी आप लोगों को देखने को मिला। ये क्या था, ये था यहाँ पर आप लोगों के सामने, बेसिकली अभी हमारे राज्य में 5 इलेक्शन, हमारे 5 राज्य में इलेक्शन होने वाले हैं, हमारे राज्य में 5 इलेक्शन होने वाले हैं कुछ भी अगर बात करें तो यहाँ पर 5 राज्य के नाम आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि रिसेंटली अभी ये न्यूज में रहने वाले हैं, आने वाले लगभग फरवरी के एंड तक या मार्च तक जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते हैं। तो कौन कौन से वो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा। तो ये वो राज्य हैं जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन होंगे वो 7 फेज में होंगे, 10 फरवरी को, 14 फरवरी को, यानी कि वैलेंटाइन डे वाले दिन भी आप लोग इलेक्शन होंगे। इसी के साथ में यहां पर बात करें 20 फरवरी को, 23 फरवरी को, 27 फरवरी को, 3 मार्च को और 7 मार्च को, ठीक है। बाकी अगर बात करें यहां पर पंजाब के अंदर 14 फरवरी, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर 14 फरवरी और गोवा के अंदर 14 फरवरी, ठीक है।
तो यहाँ पर अच्छे से वोट भी डालिएगा और अच्छे से अपनी चीजों को सेलिब्रेट भी कीजिएगा। बाकी मणिपुर के अंदर यहाँ पर 14 फरवरी को काउंट नहीं किया गया, यहाँ पर है फरवरी 27 और मार्च 3। तो ये यहाँ पर अभी अलग अलग फेज में इलेक्शन को डिसाइड किया गया। अब अगर अभी बात करें तो आप लोग जिस भी एरिया में आते हैं तो वहां पर फेज 1 फेज 2 को भी यहाँ पर दिखाया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो काफी बड़ा राज्य है, पॉपुलेशन के बेस पर हमारी कंट्री में सबसे बड़ा राज्य आप लोग को उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। तो सारी पॉलिटिकल पार्टी ने वेलकम किया, क्योंकि ये लग रहा था कि इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे कोविड-19 के चलते, पर लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फरवरी 10 से लेके मार्च 7 तक यहां पर ये इलेक्शन चलने वाले हैं, जिसके चलते यहां पर हर एक राज्य में अलग अलग तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, फेज वाइज यहां पर डिसाइड किया गया है। तो बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया अपना जो इलेक्शन का अधिकार है उसको जरूर यूज करना, क्योंकि बाद में फिर पॉलिटिशियन को बैठकर गाली देना कि यार ये पॉलिटिशियन काम का नहीं है और ये नहीं कर रहा है, इसके ऊपर तो इतने चार्ज चल रहे हैं, वो फिर बाद में काम नहीं आते यार। स्टार्टिंग में अगर आप लोगों को पावर दे रखी है ओली हड़ी हमारे संविधान ने, तो उस पावर को आप लोग यूज क्यों नहीं करते हो? तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। जैसे मैंने बताया अभी यहां पर ये 5 राज्य के अंदर इलेक्शन देखने को मिलेंगे, तो जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोगों के लिए यहां पर ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कुछ बेसिक चीजें, अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछे, जैसे अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में आप लोगों से बात करूं या फिर कहां पर इसके बारे में मेंशन है, तो याद रखिएगा संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो पार्ट 15 यानी कि 15वां जो पार्ट है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहां पर इलेक्शन के बारे में मेंशन है, खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से चीजों को लेकर चले, वो भी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो पार्ट कितना है? पार्ट 15वां है। इसी के चलते एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले आते हैं, फिर बोलते क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाती है, और इसीलिए एग्जाम जब आप लोग के निकलते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, दिखाया था ना मैंने पेपर भी आप लोगों को, पेपर सेकंड, किस तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चन को अवेयर एक तरीके से रहेंगे अगर आप लोग रेगुलर प्रॉपर में चीजों को लेकर चलेंगे। तो 25 जनवरी को क्या होता है, ये हमारी कंट्री में वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 26 जनवरी से हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है हमारी 26 जनवरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, तो इसी के चलते उससे एक दिन पहले हमारी कंट्री में वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर बात करें यहां पर आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक किस तरीके से हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम करता है, क्या क्या उसके प्रोविजन होते हैं, वो सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई है। आर्टिकल 324 यानी कि 324 मोस्ट पावरफुल आर्टिकल यहां पर माना जाता है, खासकर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर के बारे में बात करते हैं, कैसे सुपरिंटेंडेंट करना है, कैसे डायरेक्शन देनी है, कैसे इलेक्शन को कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें बेसिकली यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन है यहां पर इस आर्टिकल को लेकर, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। कई सारे और आर्टिकल हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं जब भी इलेक्शन का माहौल होता है देश के अंदर में, तो ये ऐसे आर्टिकल हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता ही होना चाहिए। आर्टिकल 324 के बाद में आर्टिकल 325 निकल कर आता है, बोला जा रहा है कि किसी भी पर्सन को आप लोगों को इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड आप लोग नहीं कर सकते। अगर बात करें नो पर्सन भी इनलिजिबल या फिर इंक्लूजन या फिर कोई भी किसी की तरीके से अगर बात करें यहां पर इलेक्ट्रोल के अंदर किसी रिलीजन के नाम पर, रेस के नाम पर, कास्ट के नाम पर, सेक्स के नाम पर, यानी कि हमारी कंट्री में क्राइटेरिया है पर्टिकुलर पर्सन को अगर वोट डालने का अधिकार होना चाहिए तो है 18 साल। 18 साल से जैसे इंसान 18 साल या फिर उससे ऊपर हुआ, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी कैटेगरी का इंसान हो, चाहे किसी भी रिलीजन का इंसान हो, चाहे किसी भी कास्ट का इंसान हो, चाहे किसी भी रीजन का इनके एरिया का रहने वाला इंसान हो, उसको वोटिंग का अधिकार दे दिया जाता है। तो इसको हम लोग यूनिवर्सल जो फ्रेंचाइज आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में, ये काफी बड़ी बात है। और आप लोग इंटरेस्टिंग चीज बताऊं ना, आप लोग सुनकर हैरान होंगे, हमारा देश आप लोग बोल सकते हैं पहला देश ऐसा है जिसने जैसे ही आजाद हुआ अपनी कंट्री की सारी जनता को वोटिंग अधिकार दे दिया। यूएसए के अंदर भी महिलाओं को ना बहुत लंबे समय तक जद्दोजहद करनी पड़ी जब उनको जाकर वोटिंग अधिकार मिला था, पर लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने एक इतना बड़ा ये काम किया जो कि रियलिटी में अप्रिशिएट करने वाला है। हालांकि उस टाइम पर 21 साल रखी गई थी, आगे घटाकर इसको 18 साल कर दी गई, वो एक अलग बात है, पर लेकिन ये एक तरीके से सबको अधिकार देना कि हाँ आप लोग ये सारी चीजें एंजॉय कर सकते हैं, वो बड़ी बात है। आर्टिकल 326 आप लोगों को देखने को मिलेगा, इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल यानी कि एक तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात की जा रही है, वहां पर भी एडल्ट सफरेज आप लोग यहां पर फॉलो करते हैं। पार्लियामेंट जो है वो रेस्पेक्ट बेसिकली इलेक्शन के पॉइंट ऑफ से लॉ बना सकती है। अगर आप लोग बात करें यहां पर बेसिकली किसके बारे में, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने हैं, लोकसभा के इलेक्शन होने हैं, राज्यसभा के इलेक्शन होने हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने हैं, तो ये सारे इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? तो हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है सेंट्रल लेवल पर, वो यहां पर सारे इलेक्शन कंडक्ट कराता है। पर लेकिन अगर इसी के पैटर्न में आप लोग जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, तो आप लोगों को पता होना चाहिए हमारी कंट्री में आज की डेट में अगर आप लोग बात करें 2 संविधान में संशोधन किए गए थे। एक को बोला गया था आप लोगों ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और दूसरे को बोला था 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके चलते पंचायती राज सिस्टम और यहां पर म्युनिसिपैलिटी हमारे देश में आ गई थी। तो इसमें यहां पर जब स्टेट के अंदर पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी आ गई तो फिर यहां पर स्टेट को एक ऑब्लिगेशन मिला। ऑब्लिगेशन मतलब आप लोगों को इलेक्शन कंडक्ट कराने पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के, तो ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन कंडक्ट कराने की जो पावर थी वो यहां पर दे दी गई स्टेट के इलेक्शन कमीशन को। तो अब स्टेट का इलेक्शन कमीशन जो है वो यहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराएगा, ठीक है, ये बात बोलेगी। इसी के साथ में
अगर बात करें यहाँ पर जो पावर दी गई लेजिस्लेटिव, यहाँ तो एक तरीके से ना लेजिस्लेटिव जो यहाँ पर लेजिस्लेचर है तो पार्लियामेंट के लिए हो गया यहाँ पर। अब बात करें सेम पावर दे रखी है स्टेट के बारे में, और यहाँ पर जो कोर्ट है उसको रोका जाता है कि वो इलेक्शन जब चल रहे हैं उसमें इंटरफेयर न करें। रीजन क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज। जैसे यहाँ पर अभी डिसाइड कर दिया कि इतने फेज में इतनी तारीख से इतनी तारीख तक इलेक्शन होने हैं। अब मान लीजिए कोई मैटर ऐसा हुआ जो कि कोर्ट में चला गया, अब कोर्ट में तो आप लोगों को पता है लंबे समय तक मैटर पेंडिंग पड़ रहता है, अब इतने फ्री डिफाइंड टाइम में यहाँ पर आप लोगों को इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आएंगे, तो इसलिए यहाँ पर कोशिश की जाती है कि कोर्ट जो है वो इलेक्शन के ड्यूरेशन में इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करें, ताकि इलेक्शन को यथा टाइम पर प्रस्तुत किया जा सके और कंप्लीट कराया जा सके। ये बिल्कुल ऐसे जैसे यूपीएससी खेलते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे खेलती है। जब आप लोगों का पेपर होकर फाइनल पेपर जब आप लोगों को हो जाता है ना यूपीएससी के अंदर में, और फाइनल पेपर होने के बाद में रिजल्ट आ जाते हैं आप लोगों के सारे सारे रिजल्ट आने के बाद में, तब आप लोगों के मार्क्स डिक्लेयर किए जाते हैं, तब आप लोगों का कट ऑफ डिक्लेयर किया जाता है, ताकि कोई भी प्रोसीजर के अंदर इंटरफेयर न कर सके। तो सबसे एंड में आप लोगों को बताया जाएगा जब सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी होंगी, बिल्कुल सारे रिजल्ट आ चुके होंगे, उसके बाद में सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स आ चुके हैं, उसके बाद में आप लोगों को अपने मार्क्स देखने को मिलेंगे, जो कि यहां पर एक तरीके से हर एक कैंडिडेट के जो सिलेक्टेड है और नहीं सिलेक्टेड हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसीजर होता है ताकि यहां पर पूरा कंप्लीट किया जा सके और कोई इंटरफेयर न करे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहां पर जरूर याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहां पर जब भी यहां पर डेट डिक्लेयर कर दी जाती है यहां पर इस तरीके से, तो फिर यहां पर हमारी कंट्री में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो यहां पर इमीडिएटली फोर्स में आ जाता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहां पर क्या बातें करता है कि जो इलेक्शन है वो आप लोगों को प्रॉपर वे में कंडक्ट कराने, कोई भी यहां पर अलग अलग तरीके से देखा होगा ना कई बार कि कास्ट के नाम पर रिलीजन के नाम पर अगर कोई उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है तो वो सारी चीजें यहां पर नहीं होनी चाहिए। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे पहले कहां पर इंप्लीमेंट किया गया था हमारे देश में, याद रखिएगा केरला में सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट किया गया था 1960 में, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहां पर तैयार किया गया कि पॉलिटिकल जो भी एक्टर हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में उनको एक दायरे के अंदर रहकर ही काम करना चाहिए, यानी कि अपने एक लक्ष्मण रेखा नहीं लगनी चाहिए उनको, ऐसा बोला गया। आगे चलकर लोकसभा के जो इलेक्शन थे 1962 में, उसमें बोला गया यहां पर सर्कुलेट किया गया कि भाई साहब इसको फॉलो करना है। हालांकि पॉलिटिशियन बहुत ही कम यहां पर चीजों को मानते हैं, बताऊंगा अभी क्यों नहीं मानते वो भी। 1991 में फिर यहां पर बोला गया कि अब प्रॉपर वे में भाई साहब हम लोग तकड़ा इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, और जो नहीं फॉलो करेगा फिर उसको हम लोग देखेंगे आखिर वो फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए रीजन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव तो ये रहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करा सके, पर लेकिन कई सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उन इश्यूज में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट है, इसकी लीगल इन्फोर्समेंट नहीं है, यानी कि कोई भी हम लोगों ने पार्लियामेंट में लॉ पास करके स्टैट्यूटरी बॉडी बनाकर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, इसीलिए यहां पर इसको कई सारे पॉलिटिशियन जो है वो सीरियस नहीं लेते हैं, ये दिक्कतें देखने को मिलेगी, ठीक है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोशिश करता है कि अच्छे से इसको इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि ये खुद की पावर नहीं है इसकी। जैसे मैंने सीबीआई के बारे में आप लोगों से बात की थी और सीबीआई के ऊपर भी आंसर राइटिंग में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, देखना, ठीक है। तो मुद्दा यहां पर ये बन जाता है कि जैसे यहां पर सीबीआई जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। बताइए किस कमिटी के द्वारा सजेशन दिया गया था सीबीआई के बारे में, देखता हूं किसको याद है और किस लॉ से अपनी पावर ली थी। इसी तरीके से यहां पर इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इसी के साथ में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यहां पर है 1973 का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का। तो ये कुछ ऐसे हमारी कंट्री में अगर आप लोग को देखने को मिलेगा एक्ट है जिससे ये पावर लेता है, इसकी खुद की कोई एग्जैक्टली पावर नहीं है जिसको आप लोग बोल सके कि इसके हिसाब से ये काम करता है, तो ये दिक्कत देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री में जो स्टैंडिंग कमिटी है जो पर्सनल एंड पब्लिक ग्रेवेंस लॉ एंड जस्टिस के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि यार देखो या तो इसके लिए अलग से लॉ बना दो, अगर आप लोग इसको अलग से लॉ नहीं बना रहे हो यहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, ताकि इलेक्शन जो है ढंग से कंडक्ट कराया जा सके, तो एक रिक्वेस्ट है इसको कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अंदर ही डाल दो इसको, कम से कम अमेंड, इसको अमेंड करके उसका पार्ट बना दो कि कम से कम एक स्टैट्यूटरी जामा तो हो जाएगा ना कि पार्लियामेंट में पास करके हम लोग इसको लेकर आए ताकि अच्छे से इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो यहां पर बेसिकली इसको अभी इंप्लीमेंट करता है, आर्ग्यू करता है अगेंस्ट द मेकिंग इज लीगल बाइंडिंग, ये भी चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन बोला जा रहा है कि मस्ट कंप्लीट विद इन द एक तरीके से रिलेटिव सॉर्ट ऑफ टाइम, ठीक है, यानी कि एक तरीके से इलेक्शन का जो ड्यूरेशन रहता है ये 45 दिनों के अंदर अंदर लगभग कंप्लीट करने की रहती है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर जगह यहां पर इसको प्रॉपर एक लॉ के थ्रू लेकर आएंगे, फिर जुडिशरी भी आप लोग इसके अंदर देखने को मिलेगी, तो कई बार यहां पर ये सही नहीं होगा कि अगर इंप्लीमेंट करने की बात है तो दिक्कतें देखने को मिल जाती है। देखिए आप लोग अगर लॉ के थ्रू लेकर आएंगे तो पता चला उसके अंदर कोई सजा भी होगी, सजा होगी तो केस होगा, केस होगा तो कोर्ट में चला गया, फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो कई बार यहां पर ये रहता है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इलेक्शन कमीशन को ही इतनी पावर दे दो कि वो यहां पर ऑथोरिटी रखें, यहां पर अगर कल को कोई डिसीजन उसको लेना है
जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, कई बार ये बोला जाता है कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक पावरफुल बॉडी तो है, पर फिर भी कई सारी आप लोगों को कमियां खामियां आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्या है, जैसे 3 मेंबर की बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप लोगों को पता है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं, इसी के साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं 2, तो टोटल मिलाकर 3 मेंबर की बॉडी है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि सिंगल है उसके बारे में तो संविधान में लिखा हुआ है, बाकी के जो 2 बाद में ऐड किए गए उनके बारे में कोई ज्यादा मेंशन नहीं है। तो इसके चलते अगर कल को जब हटाना होता है, उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों का इंपीचमेंट किया जाता है, उनको हटाया जाता है, तो उसी पैटर्न में यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर हटाना है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए ही होगा, बाकी के 2 बचे हुए जो इलेक्शन कमीशन है उनके लिए नहीं होता है। तो वे हमेशा सदमे में रहते हैं, पता नहीं गवर्नमेंट कब उनको उठाकर फेंक दे, तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा, यहां पर अगर बात करें आज की डेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है, रजिस्टर तो कर सकते हैं पर डी रजिस्टर करने की पावर इसको नहीं दे रखी है, तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी कुकुर मुद्दे की तरह उभरती हुई आ रही है और कोई भी यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बातें नहीं मानते हैं। तो कई सारे ऐसे मुद्दे आप लोगों को निकलकर सामने आएंगे कि जिनके ऊपर हम लोग को बात करनी चाहिए, अगर इस तरीके से बातें करेंगे तो कल को चलकर क्या होगा, सॉल्यूशन यहां पर संभलता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में, तो इसको अपॉइंटमेंट करने के लिए भी यहां पर कुछ ना कुछ सिस्टम होना चाहिए, चेंज करना चाहिए कि यहां प्रॉपर वे में, कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहे और गवर्नमेंट चाहेगी तो इसको ऐसे अपॉइंट करेगी और ये गवर्नमेंट के हिसाब से काम करता रहेगा इलेक्शन कमीशन, तो वो वाली चीजें भी यहां पर नहीं होनी चाहिए, तो इसके बारे में बात की जाती है। तो ये कई सारे ऐसे इश्यूज हैं, अगर लिखने के लिए आप लोगों से कोई पूछ ले तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में कुछ और बातें मैं बताऊं, 1950 से लेके याद रखिएगा इसको, यहाँ पर बेसिकली आप लोगों से कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले जाते हैं, ठीक है, कि हाँ कब से कब तक हमारी कंट्री में सिंगल मेंबर बॉडी रही, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखिएगा। तो इस 1950 से लेके अगर बात करेंगे तो यहाँ पर तो 1989, ठीक है, तो इस टाइम तक मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, जिसमें यहां पर 1950 से लेके 1989 तक यहां पर हमारी कंट्री में सिंगल मेंबर की बॉडी यहां पर बनी रही इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इसी के साथ में फिर आगे जब यहां पर डबल ट्रिपल मेंबर की बॉडी बनी, उसी टाइम पर हमारे देश में जो है बेसिकली एज जो थी वो 21 साल से घटाकर यहां पर क्या की गई, 18 साल की गई, तो ज्यादा लोग आ गए यहां पर इलेक्शन डालने की कैटेगरी में। तो फिर क्या कोशिश की गई कि अब जो है यहां पर ज्यादा मेंबर की बॉडी यहां पर होनी चाहिए ताकि चीजों को आगे लेकर चला जा सके। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में आप लोगों से कोई पूछ ले, और ये रिपीटेडली आगे भी अभी न्यूज में आने वाली है, ठीक है, तो यहां पर इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी आगे भी क्वेश्चन बनेंगे इसके बारे में, एडिटोरियल आएंगे मुझे पता है, तो उसके बारे में हम लोग फिर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, समझ लेंगे फिर से अच्छे से चीजों को कवर करते हुए चलेंगे, ओके। एक और आर्टिकल मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा, अभी बेसिकली जब मैं सर्च कर रहा था यहाँ पर, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ट्रेंड कर रहे थे पहले नंबर पर, ठीक है, कि डेट डिक्लेयर कर दी गई है, ठीक है। तो ये एक तरीके से कहीं आप लोग समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो को लग रहा था कि इलेक्शन नहीं होंगे कोविड-19 के चलते, पर लेकिन हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये ट्रेंड कर रहा था। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर, अभी यहाँ पर KGF 2 आप लोग की आने वाली है, बड़ी शानदार मूवी लगी थी यार, आप में से किसको मतलब लगा था कि मूवी बड़ी शानदार बनाई गई है, ठीक है, एक ही काम ऐसा था जिसने शान मतलब एक ही मूवी ऐसी बना कि फाड़ के लेकर चली गई, ठीक है। एक यहाँ पर ट्रेंड कर रहा था योगी जी फिर आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या लगता है, बेसिकली मेरा मुद्दा ये था कि जिस राज्य में इलेक्शन होने वाला है उस राज्य में आप लोग जनता है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आने वाली है। तो बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट हो आप लोग, अपना थॉट रख सकते हो कमेंट बॉक्स में, पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, किसी भी रिलीजन के खिलाफ कोई अभद्र शब्द यूज मत करना, क्योंकि आप लोग एक सभ्य नागरिक हो, तो सभ्य नागरिक के तरीके से आप लोग अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, ठीक है। और बाकी कल का दिन यार जो था बहुत मतलब खतरनाक रहा, पूरे दिन जो है मतलब घर से बाहर रहना पड़ गया, गला भी थोड़ा सा टाइट था, सुबह घरारे करने पड़े तब जाकर जो गला था थोड़ा खुला, क्योंकि पूरे दिन बारिश हुई, इतनी ज्यादा बारिश आप लोगों को देखने को मिली जिसकी कुछ हद नहीं है। बोला जा रहा है यहाँ पर हाईएस्ट सिंगल डे बारिश यहाँ पर 1999 में ऐसी बारिश देखने को मिली थी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये सारी बातें बताई गई है, समझ रहे हैं आप लोग, मतलब कि 1999 के बाद पूरे दिन यहाँ पर बारिश चलती रही, ठीक है, स्टार्टिंग होगी मॉर्निंग से, रात को भी बरसता रहा और इस तरीके से कंडीशन रही, और पूरे दिन बाहर रहना फिर उसके चलते मतलब शरीर बिल्कुल टूटा टूटा हो गया, शाम तक आते आते नैनो भी रिकॉर्ड करने में दिक्कत हुई। और हाँ, आज फिर आप लोगों की वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लेट हो जाए शाम को, ठीक है, कुछ थोड़ा सा अभी शेड्यूल चल रहा है, थोड़ी सी पर्सनल चीजें हैं कुछ उनको कंप्लीट करना है, तो वीडियो आती रहेंगी, वीडियो नहीं रुकेंगी, उसकी टेंशन मत लेना। आप लोगों को मतलब टेलीग्राम पर सारी चीजें मैं प्रोवाइड कराई देता हूँ, टेंशन मत लेना, जो भी चीजें होंगी टेलीग्राम पर आप लोग जरूर कनेक्ट रहिए, सारी चीजें मैंने यहाँ पर शेयर कर दी हैं, पेपर भी हुए थे कल 2, ये दोनों पेपर मैंने आप लोगों के शेयर कर दिए हैं, SLVpedia के नाम से टेलीग्राम पर सारी चीजें मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आर्टिकल डेली आप लोगों को देता हूँ पढ़ने के लिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी के साथ में वोकैबुलरी वगैरह भी यहाँ पर पोस्ट कर दी जाती है जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। और अभी रुक जाइए थोड़ा सा, लगभग 15-16 तारीख के बाद में मैं आप लोगों को और बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, अभी थोड़ा टाइम थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, उसके बाद में आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पर, प्रीलिम्स से क्वेश्चन भी मिलेंगे और भी बहुत कुछ यहाँ पर मिलने वाला है, और PDF वगैरह आप लोगों को सारी यहाँ पर मिली जाती है, तो इसको देखिए आप लोग लगभग 1.5 लाख के करीब लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं,
पीडीएफ होगी यहाँ पर सारी जो भी आंसर बेसिकली यहाँ पर सारी चीजें मेन चैनल ये है यहाँ पर ठीक है, जिससे पीडीएफ सारी वीडियो के लिंक कोई नोटिफिकेशन अगर आप लोगों के पास में नहीं आता है सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। और जो दो वीडियो आप लोग की आती थी एक 12 बजे मोटिवेशन और शाम को 5 बजे ये भी कुछ दिनों तक अभी रुकी रहेंगे, 16 तारीख के बाद में फिर आप लोग की सारी चीजें स्टार्ट कराऊंगा अच्छे से, टेंशन मत लेना ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग अपना ध्यान रखें। तो थोड़ा सा यार बस थोड़ा सा पेशेंस रखेगा, बाकी बहुत सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से मिलने वाली है ठीक है। आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोगों को मैंने कल एसे पोस्ट किया था ठीक है, बाकी एक बच्चा कहता सर एसे जो है अभी दिए गए काफी टफ है उनको कैसे लेकर चलना है उसके बारे में बात करूंगा, मैंने बोला था ना डिस्कस करूंगा आप लोगों से टाइम टू टाइम, तो टेंशन मत लेना वीकेंड में एक ऐसे डिस्कस कर लिया करेंगे और जो क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं इनको तो मैं इंक्लूड करके चलता हूं आंसर राइटिंग में, तो टेंशन मत लेना सारी चीजें आप लोग की कवर हो जाएंगी। आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोग देख लेना इसको, लगभग 60,000 के करीब मेंबर जुड़े हैं तो इसको भी आप लोग पार्ट बनाइए, 3 ग्रुप हैं बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे, अगर कहीं पर भी आप लोग जाते हैं तो आसानी से इनको यूज कर सकते हैं अच्छे से आप लोग ठीक है। एक यहां पर ये फेक वीडियो वायरल हो गई देश के अंदर में जो कि पाकिस्तान की साइड से सर्कुलेट की गई, तो ये जो वीडियो थी यहां पर देखिए कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो खासकर थ्रेड बन जाती है कहीं से निकल कर आई देश के अंदर माहौल को खराब करने का काम करती है, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कोई भी अगर आप लोगों के सामने किसी भी वीडियो आती है पहले उसको वेरीफाई कीजिए कि ये सही है या फिर गलत है। आप लोगों ने देखा होगा बिपिन रावत जी की जब डेथ हुई उस टाइम पर कई सारी वीडियो वायरल हो रही थी कि हवाई जहाज में से एक एक आदमी ऐसे गिर रहा है वो सारी चीजें, वो सारी फेक वीडियोस थी यार ठीक है, और कई सारी वायरल होती पाई गई ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रही थी वो चीजें। तो आप लोग थोड़ा सा जागरूक सिटीजन जागरूक नागरिक होने के नाते कहीं भी कुछ भी आप लोग शेयर करते हो तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको एक बार आइडेंटिफाई कर लो उसके बाद ही आप लोग चीजों को शेयर करो ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर बेसिकली चीज देखने को मिलेगी, अगर ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बातें हैं चाहे कितनी भी दिक्कत है आप लोगों को क्यों ना देखने को मिले आप लोग कभी भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो ड्यूटी है ना उसको मत आप लोग पोल्यूट करना ठीक है, मतलब कितने भी काम क्यों ना जिंदगी में आ जाए जो काम आप लोग लेकर चल रहे हो उसको आप लोग जरूर कंप्लीट करो। जैसे कि अगर बात करें आप लोग देखते हैं कितनी ठंडी है यहाँ पर लेकिन जो दूध वाले भैया यहाँ पर ये आज के बारे में बात करें तो श्रीनगर के अंदर देखिए यहाँ पर ये दूध पहुंचाने जा रहे हैं ठीक है, और दूध भी मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पर मतलब हालांकि खैर ये सिस्टम ऐसा होगा यहाँ पर वरना पता चला दूध भी पिघला पड़ा है वो सॉरी जमा पड़ा है ठीक है, तो बर्फ बन गया पूरा दूध, तो ये सिचुएशन देखिए गलाने वाले ठंड है बेसिकली इतनी कड़ाके की ठंड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसके बाद भी इंसान अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ रहा है तो कभी भी अपनी ड्यूटी को पोल्यूट मत करो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप लोगों को ड्यूटी पोल्यूट नहीं करनी है ठीक है करनी है बोल रहा हूँ मतलब देखो कि आप लोग यार शाम जो तक थक गया था मैं पूरा मतलब लग नहीं रहा था कि वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो पाएगी, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं मैंने कहा क्योंकि जब वीडियो बनाने बैठते हैं तो अच्छा लगने लगता है फिर एक माइंडसेट होता है बेसिकली आप लोग थोड़ी देर के लिए रोकता है ठीक है। सुबह उठना नहीं है कई सारे बच्चे बोले सर उठ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे उठ भी गए सुबह कल मजा आ गया तो आप लोग देखते कितने सारे बच्चे सुबह उठ गए, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो वीडियो जो है आप लोग को 6:30 बजे मिल रही है तो 6:30 बजे से आप लोग दिन की स्टार्ट कीजिए ना अच्छे से अपनी चीजों को अच्छे लेकर चलिए, तो इस तरीके से अगर चीजों को आप लोग इंप्लीमेंट करोगे बहुत सारा फायदा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा और आप लोग अपनी जिंदगी में एडवांस भी होते हुए नजर आएंगे। तो इसके बारे में थोड़ी बात करता हूं यहां पर अभी है क्या यहां पर काफी कड़ाके की ठंड आप लोगों को देखने को मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में खासकर, और ये काफी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन भी बन जाता है यहां पर, ये फेरन बोलते हैं इनकी ड्रेस को, ये कुछ ऐसी ड्रेस पहनते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, और ये जो टाइम ड्यूरेशन है मैंने आप लोगों को बताया भी था यहां पर ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं चिल्लाई कलन यहां पर 21 दिसंबर से लेकर 29 जनवरी तक आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको कड़ाके की ठंड यानी कि ऐसे ठंड की जमा दे इंसान को क्या पूरी जो डल लेक है वो जम जाती है फिर क्या बच गया तो आप लोग समझ सकते हैं। दूसरा यहां पर चिल्लाई कलन के बाद में आता है चिल्लाई खुर्द ठीक है, जो चिल्लाई खुर्द होता है छोटी ठंड यानी कि स्मॉल कोल्ड, तो ये 30 जनवरी से लेकर यहां पर 18 फरवरी तक आप लोगों को देखने को मिलेगी यानी कि 20 दिन की। पहला जो टाइम ड्यूरेशन है वो 40 दिन का है, दूसरा 20 दिन का है, तीसरा होता है चिल्लाई बाचा, तो बेबी कोल्ड इसको आप लोग बोल देते हैं ठीक है, छोटी ठंड यानी कि एक गुनगुना सा मौसम आ गया है, तो ये फरवरी 19 से लेकर फरवरी 28 तक आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोगों ने कई बार सुना होगा फरवरी का मौसम बड़ा अच्छा होता है, भाई साहब शादी फरवरी के मौसम में ही करना ठीक है, यानी कि खाने पीने में मजा आता है इंसान को, तो खाने पीने वालों के हिसाब से बता रहा हूं मैं तो ठीक है, तो अगर शादी करोगे आप लोग जब भी करोगे फरवरी के मौसम में ही करना, तभी आऊंगा मैं शादी में ओके चलिए अच्छे से एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। तो ये बातें थी इसके साथ में, तो याद रखिएगा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट जो पोर्शन मैंने डिस्कस किया था फेरन, ये जो ड्रेस पहनते हैं ये जो कि ढक लेती है इंसान को इसको फेरन बोलते हैं, इसी के साथ में यहाँ पर टैप वाटर भी फ्रीज हो जाता है और इनकी जो यहाँ पर ये कंजप्शन करते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पर हरीसा, तो ये पर्टिकुलर एक मटन को राइस के साथ में मिक्स कर और पूरा लौंग इलायची सोल्ट सब डाल के मजे में खा जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें ड्राई जो वेजिटेबल है ड्राई फ्रूट्स वगैरह उनको यूज किया जाता है यहाँ पर, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं ठीक है। ये मैं आप लोगों से पूछूंगा इसको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, मैंने डिटेल में डिस्कस किया था इसको क्या बोलते हैं जो कि यहाँ पर बॉडी को गर्म रखने का काम करता है और सब इसको हाथ में लेकर घूमते हुए पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों से इसका आंसर दीजिए। अभी एक और घटना निकल कर आई यहाँ पर, देखिए बर्फबारी में कई बार लोग घूमने जाते हैं थोड़ा चीजों को चेक कर ले के लिए, कई बार दुर्घटना घट जाती है। पाकिस्तान के अंदर 22 लोग जो है वो यहाँ पर बेसिकली जान चली गई
एक कार के अंदर यहाँ पर वो फंसे रह गए और जब बर्फ पड़ी तो इतनी पड़ गई कि वो कार भी दब गई उसके नीचे, समझ रहे हो आप लोग। तो वहां पर दम घुटने की वजह से भी और इन लोगों की जान चलेगी। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि चीजों के बारे में थोड़ा सा मजे करने जा रहे हैं, समझ में आता है, पर लेकिन अवेयर आप लोगों को रहना चाहिए कम से कम एक अपनी चीजों को कैसे लेकर चलना है, ठीक है। तो ये बातें हैं, ओके आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और यहाँ पर जो न्यूज निकल कर आ रही है, ये गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में जो रस्साकसी चल रही है तमिलनाडु की, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। अभी हुआ क्या है यहाँ पर, देखिए तमिलनाडु के अंदर बेसिकली अगर लॉ पास किया जा रहा है तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गवर्नर जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, खासकर किसके बारे में, नेशनल एलिजिबिलिटी जो यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट है उसके बारे में बात की जा रही है। तो होता क्या है, गवर्नर से यहाँ पर नोट लेनी पड़ती है, जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट से नोट लेते हैं तो वो यहाँ पर इश्यू निकल कर आते हैं। तो होता क्या है, नॉर्मली अगर संविधान के बारे में आप लोगों से कोई पूछे इसके बारे में तो आप लोगों को पता होना चाहिए चीफ मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं और रियल हेड माने जाते हैं गवर्नमेंट के। और गवर्नर क्या होता है, गवर्नर आप लोगों को पता है एक तरीके से वो यहाँ पर उनके नाम पर सारे काम किए जाते हैं, जिस सिमिलर पैटर्न में आप लोगों को जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर मिलते हुए नजर आएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे आप लोगों को देखने को मिलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सेंट्रल लेवल पर, ऐसे ही जब स्टेट के अंदर आप लोग जाएंगे तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन अभी पूछा गया है। तो स्टेट की जो काउंसिल है वो हेडेड की जाती है चीफ मिनिस्टर के द्वारा और ये रेस्पॉन्सिबल रहती है कलेक्टिवली स्टेट लेजिस्लेचर को, और यही यहाँ पर बेसिकली रिकमेंड करती है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को बेसिकली यहाँ पर सारी चीजें, जिसके चलते यहाँ पर जो गवर्नर है वो काम करते हुए नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जैसा मैंने प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 164 जो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पर बेसिकली चीफ मिनिस्टर को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। मैंने बोला था ना कि हमारी कंट्री में कभी भी आप लोग अपने चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को चुनते नहीं हो, चुनते हो आप लोग किसको, सांसद को और विधायक को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, फिर वो अपना लीडर चुनते हैं और उनके लीडर को फिर यहां पर बेसिकली जो गवर्नर है वो अपॉइंट करता है और जो भी मेजोरिटी में होता है वो यहां पर निकल कर आता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो गवर्नर जो है वो नॉमिनल हेड है, उसके हाथ में पावर नहीं है कि वो अपने हिसाब से किसी को भी अपॉइंट कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में अगर कोई पर्सन जो है उसको किसी मेंबर को स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर अपॉइंट किया जाता है, जा सकता है चीफ मिनिस्टर 6 महीने के लिए, 6 महीने के अंदर। ये क्यों आर्टिकल डिस्कस किया था मैंने आप लोगों को याद होगा, ममता बनर्जी जी जो थी वो अपने इलेक्शन हार गई थी और अपने इलेक्शन हारने के बाद में फिर यहां पर बोला जाता कि पता नहीं इलेक्शन होंगे या फिर नहीं होंगे, क्या दिक्कतें बनेगी, तो उनके द्वारा ये भी बोला गया था कि स्टेट में चलो लेजिस्लेटिव काउंसिल लेकर आ जाते हैं, तो वो भी इशू बन गया था, इसीलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। लेजिस्लेटिव काउंसिल आप लोगों को उस टाइम पर डिटेल में पढ़ाया था कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या क्या सारे प्रोसीजर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए एग्जाम में जो कि ऑलरेडी एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को कवर करा रखा है, तो इसलिए कोई भी कंफ्यूजन उनके बारे में होना नहीं चाहिए आप लोगों को। अगर बात करें चीफ मिनिस्टर के बारे में तो ये कुछ आर्टिकल आप लोग यहां पर याद रखिएगा। आर्टिकल 163 यहां पर पावर देता है एक तरीके से एडवाइस करने की कि किस तरीके से आप लोग जो चीफ मिनिस्टर है वो गवर्नर को एडवाइस करेगा, तो इसके बारे में बात की जाती है, इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है चीफ मिनिस्टर के साथ में। गवर्नर अपॉइंट करता है तो आर्टिकल 164 आता है चीफ मिनिस्टर को। उसी के साथ में 167 में कम्युनिकेट करता है जो भी मैटर होते हैं, यानी कि गवर्नर के नाम पे काम हो रहे हैं ना, गवर्नर को पता होना चाहिए उसके नाम पर क्या काम हो रहे हैं, तो सारे जो भी बातें होती हैं जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नर साहब को बताते हैं कि भाई साहब ये कांड करने जा रहे हैं देख लियो, ठीक है। तो ये सारे बेसिक कुछ थॉट्स हैं जो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी जब भी मैं किसी मैंगो की न्यूज के बारे में पढ़ता हूं तो मुझे अक्षय कुमार जी का और मोदी जी का इंटरव्यू याद आ जाता है कि मोदी जी आम कैसे खाते हैं, वो बड़ा ही एक तरीके से उसका एक मखोल उड़ाया गया था, क्या शब्द बोलेंगे, बेसिकली मजाक बनाया गया था, तो काफी एक अजीब सी चीज मतलब देखने को मिली थी उस टाइम पर कि एक पॉलिटिकल कंट्री मतलब इलेक्शन चल रहे थे तो उस टाइम पर वो एक ऐसा मतलब क्या ही बोलूं उसके बारे में, एक ऐसा इंटरव्यू आया जिसको नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू बोला गया, तो उसके चलते पूरे देश में जो थी कई सारी मजाक उड़ाई गई उसको लेकर, ठीक है। तो ये देखेगा आप लोग, ठीक है। तो अभी यहां पर इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करेगा मैंगो यहाँ पर आफ्टर, यानी कि भैया यहाँ पर बोला हिटस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है एक खाली जगह, एक गैप के बाद में, क्योंकि काफी लंबे समय से हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे और यहाँ पर अभी एक्सपोर्ट करने वाले हैं यूएसए को, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में है। तो कुछ ऐसी बातें हैं कि आप लोग किसी कंट्री के बारे में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बात करें तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग लिख सकते हैं। यूएसए में जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है यहाँ पर वो बेसिकली चीजों को अप्रूव करते हैं किस तरीके चीजों को आगे लेकर चला जाएगा, और इसके बदले यूएसए में हमारी कंट्री में जो आएगी चेरी वगैरह वो सारी चीज देखने को मिलेगी। बाकी अगर मैंगो के बारे में मोटी मोटी बातें बताऊं, हमारी कंट्री में मान्यता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई आम खरीदता है तो वह यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मुझे ऐसा लगता है क्यों खरीदते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे देश के दुनिया भर के लोग वहां पर रहते हैं, वो आम खाने का मन करता होगा, तो इसलिए वहां पर मैंगो जो है काफी ज्यादा खरीदा जाता होगा। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर बेचा जाता है एक पोर्ट है हमारी कंट्री में जिसको बोलते हैं जीएमपी, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा,
कौन से राज्य के अंदर में है आप लोग, चलिए ये बताइए ये वाला पोर्ट। सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट मैंगो एक्सपोर्ट किया जाते हैं तो महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट किया जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये है तोतापुरी, तोतापुरी मैंगो की वैरायटी जो है ये मोस्ट एक तरीके से एक्सपोर्ट करने वाली वैरायटी है। आप लोग बताइए आप लोगों को कौन सा फल ज्यादा खाना पसंद है, ठीक है। मुझे भी आम जो है काफी पसंद है, बाब ये मत पूछना सर चूस के खाते हो कि काट के खाते हो, ठीक है। मतलब कैसे भी खा सकते हो, अच्छा चूस के भी अच्छा लगता है, वो थोड़ा सा और नेचुरल हो जाता है। और अगर थोड़ा सा डिसेंट वे में खाना है तो उसको काट लो बेसिकली ऊपर से और फिर चम्मच से निकाल निकाल कर खा लो, अगर थोड़ा सा डिसेंट अपने आपको दिखाना है। पर वही बात है, चूस के खाने का मजा ही कुछ और, मजा ही कुछ और होता है, ठीक है। वो तो बात आप लोग मानोगे ना। चलिए जो भी है, मतलब मेरे खुद की राय है, इसका वास्तविक जीवन से आप लोगों के कोई संबंध नहीं है, मेरी पर्सनल राय है, किसी को बुरा लगे तो एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट चुनकर लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, तो उसी अकाउंटेबिलिटी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो डिमांड की गई कि रिवाइव की जाए अकाउंटेबिलिटी। देखिए राज्य गवर्नमेंट जो है उनकी एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो भी कोई उनको काम करना है तो उसके चलते यहाँ पर चीजों को आगे लेकर चलना चाहिए। कुछ भी काम कर रहे हैं तो कोविड 19 के टाइम पर बहुत सारे लोगों की जो इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई, यहाँ पर कितनी डेथ हो रही है, कितनी ऑक्सीजन सप्लाई है, बहुत सारी चीजें छुपाई गई, तो ये सारी चीजें जो होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में आनी चाहिए। तो उसके चलते यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर कोशिश कर रही है कि इनके मैनिफेस्टो में बोला गया था कि इसके लिए लॉ लेकर आएंगे, कानून लेकर आएंगे, तो उसको रिवाइव करने के बारे में बातें भी चल रही है, ठीक है। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बाकी ये पर्सनली न्यूज मुझे काफी अच्छी लगी। आपकी जो पर्सनल लैंग्वेज होती है खासकर लोकल लैंग्वेज, उसको आप लोग अप्रिशिएट किया करो। तो विलेज, यहाँ पर बात की जा रही है विलेज ऑफ बुक्स, तो विलेज ऑफ बुक्स इन ऑल जो यहाँ पर महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट है उसमें इंप्लीमेंट किया जाएगा, ताकि जो मराठी किताबें हैं उनको पॉपुलराइज किया जा सके लोकल लैंग्वेज में। तो इसी के चलते विलेज ऑफ बुक्स जो है यहाँ पर ये स्टार्ट किया जा रहा है। और अगर आप लोग थोड़े लंबे समय से कनेक्ट है तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ऐसा ही एक प्रोजेक्ट था बिहार, एक ऐसे एक प्रोजेक्ट था यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, बेसिकली ये है यहाँ पर भिलियार जो नियर हिल आप लोगों को देखने को मिलेगा महाबलेश्वर के, वहां पर इसको स्टार्ट किया गया था एज एक पायलट बेस पर, और फिर अभी यहाँ पर इसको आगे लेकर चला जा रहा है। तो ये यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, अपनी खुद की लैंग्वेज को अप्रिशिएट करने की बात की जा रही है, ठीक है। इसके बारे में याद रखिएगा, अगर आप लोग कल को चलकर सिविल सर्विस जैसे क्लियर करते हो तो आप लोगों के पास में काफी सारी पावर आ जाती है, और इवन इजिली आप लोग पॉलिटिक्स में भी एंट्री कर सकते हैं अगर आप लोग पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, तो ये भी ऑप्शन है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत सारे जो आज के में रिटायर्ड जो फॉरेन ऑफिसर भी हैं वो आज के में पॉलिटिक्स में, तो इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं। हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आप लोग देख लीजिए, इसी के साथ में कपिल सिब्बल साहब थे यहाँ पर, और भी बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जैसे हामिद अंसारी जी के साथ वो इंडियन फॉरेन सर्विस से निकल कर आते थे, ठीक है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट इनके द्वारा ले लिया गया है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट जिसको वीआरएस लोग बोलते हैं। तो वीआरएसएस का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा होगा लीग से हटकर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए अब की बार यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा। तो अगर आप लोग कल को बनते हैं इस पोस्ट पर जाते हैं तो आप लोग क्या इस तरीके से वॉलेंट्री रिटायरमेंट आप लोग ले सकते हैं। तो ये 1994 के आईपीएस ऑफिसर थे, ये अभी उत्तर प्रदेश में बोला जा रहा है, यहाँ पर बेसिकली ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा लास्ट जो इलेक्शन में सत्यपाल जी थे जो उत्तर प्रदेश से निकल कर आते थे वो महाराष्ट्र में थे, उनके द्वारा बीजेपी को ज्वाइन किया गया था। तो कई सारे ऐसे एरिया में आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाती है, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन आज के डेट में जो कि यहाँ पर पहले आईएएस ऑफिसर थे, अच्छा लगता है। हालांकि ये मतलब कुछ गलत चीज नहीं है, पढ़ा लिखा एक समझदार इंसान अगर आ रहा है, अपने केजरीवाल साहब को ले लीजिए, ठीक है, तो वो भी एक तरीके से इंडियन सिविल सर्विसेज से निकल कर आते हैं, तो ये अच्छा लगता है जब पढ़ा लिखा इंसान एक प्रॉपर चीजों को जानने वाला इंसान आकर बैठता है। मैं नहीं कह रहा हूं हमारे पॉलिटिशियन जो है गवार है, पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, पर फिर भी सोचिए एक यूपीएससी क्लियर किया हुआ बंदा बैठ रहा है, और एक ऐसा है कि जिसने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर रखी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी में दिक्कत रहती है, अकबर भी पढ़ा लिखा नहीं था, अच्छे डिसीजन लेता था, पर फिर भी एक अवेयरनेस ज्यादा रहती है, चीजों को अंडरस्टैंडिंग एक कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, तो उसके पॉइंट ऑफ से बोल रहा हूं। तो अगर बात करते हैं हमारी कंट्री में यहाँ पर पर्टिकुलर रूल 16 है, यहाँ पर AIS जो यहाँ पर DCRB का जो रूल है यहाँ पर 1958 का, इसके तहत हमारी कंट्री में जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में जो कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी है, आप लोगों को पता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट की है, क्योंकि स्टेट कैडर आप लोगों को मिलता है, तो वहीं पर आप लोगों को रिजिग्नेशन देना पड़ेगा। तो इसके चलते यहाँ पर अगर आप लोग 30 ईयर की अपनी जो नौकरी है वो कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, और आप लोग की जो एज है वो अटेन हो चुकी है लगभग 50, तो आप लोग यहाँ पर VRS यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट आप लोग ले सकते हैं। तो ये कुछ एक रूल और रेगुलेशन है जो आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए जिस भी एरिया में जाते हैं ना उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठे किया करो जरूर, ठीक है, ताकि बता रहे कि एग्जैक्टली है क्या चीजें। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है फ्रूट्स ऑफ जो एक तरीके से आप रेंटलेसनेस लेबर डॉट कैंपस। तो आज की डेट में अगर बात करें, मैंने आप लोगों को बोला था हमारी कंट्री में मॉनसून का टाइम ड्यूरेशन रहता है, ठीक है, जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर, खासकर अगर बात करें तो इसमें पेड़ लगाना काफी जरूरी है। तो यहाँ पर अभी एक टीचर है साउथ इंडिया में, खासकर इनके द्वारा काफी बड़ी एक मुहिम चलाई जा रही है, अलप्पुझा जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर केरला के अंदर में,
ये पेड़ लगा रहे हैं और लाखों पेड़ अब तक लगा चुके हैं, तो ये हरा भरा बनाने की कोशिश करें। तो यार देखो ये भी एक तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसा नहीं कि सरहद पर जाकर ही आप लोग लड़ोगे तो ही देश की सेवा होगी, देश के अंदर भी इतनी सारी चीजें हैं आप लोग यहाँ पर काम कर सकते हो, पॉलिटिक्स उसको खासकर पॉलिथीन को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर, बच्चों की एजुकेशन को लेकर, ठीक है, सड़कों पर जो गायें या फिर जो भी पशु घूमते हैं उनको लेकर, बर्ड्स को लेकर, दुनिया भर की चीजें हैं यार आप लोग काम करना चाहो तो, ठीक है, वुमेन सिक्योरिटी के बारे में बात की जाए तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ कुछ अच्छा सोसाइटी के लिए करना है। ठीक है, श्रीलंका जो है यहाँ पर बात की जा रही है, अभी उसके अंदर जो इंडियन सिटीजन है उनके द्वारा टॉप किया गया टूरिज्म की लिस्ट में। आप लोगों ने देखा होगा श्रीलंका के अंदर बहुत कम पैसा बचा हुआ है, 1 बिलियन के समथिंग इनके पास में रिजर्व बचा हुआ है, यानी कि कई सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ये बोलेंगे श्रीलंका जो है वो दिवालिया होने वाला है, कभी भी उसका दिवालिया निकल सकता है। क्यों? क्योंकि चाइना का बहुत ज्यादा लोन श्रीलंका के ऊपर आज के में पड़ा हुआ है और चाइना के कर्जे में डूबा हुआ है, तो कल को चलकर यहाँ पर अगर इसको बेल आउट पैकेज भी दिया जाएगा तो यहाँ पर चाइना जो है वो एक तरीके से कंट्रोल कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें आगे देखने को मिलेगी, आर्टिकल आएगा तो बहुत कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर नहीं भी आएगा किसी दिन तो मेरा मूड बनेगा, जिस दिन मतलब मूड बनना तो मूड तो बना ही रहता है, जिस दिन यहाँ पर टाइम मिलेगा मैं उस दिन आप लोगों को डिटेल में पूरा एक डिस्कशन करूंगा इसके बारे में कि श्रीलंका के अंदर आखिर क्या चल क्या रहा है, ये इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे निकल कर आया, क्या क्या कंडीशन है यहाँ पर, बेल आउट पैकेज क्या होता है, बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जिस दिन भी लगेगा यहाँ पर कोई आर्टिकल आएगा जरूर ढंग से, ठीक है, आप लोग समझ पाओगे कि क्या क्या चीजें हैं सारी अच्छे से। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह है अभी जो बोला जा रहा है कि टूरिज्म के बारे में, अभी यहां पर लगभग 89,000 के करीब यहां पर टूरिज्म आए, उनमें से लगभग 26% जो टूरिज्म थे, यानी टूरिज्म बोलो टूरिस्ट थे, वो इंडिया से हैं, यानी कि लगभग 23,000 के करीब। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि कोविड-19 जो है उसने यहां पर अभी इनकी इकोनॉमी की खस्ता हालत क्यों कर दी, हालांकि सबकी की है पर इनकी ज्यादा क्यों हो गई, क्योंकि इनकी जीडीपी जो है वो लगभग 10% जो है इनकी जीडीपी वो यहाँ पर डिपेंड करती है टूरिज्म के ऊपर, और ये टूरिज्म ही बिल्कुल बंद हो गया कोविड-19 के चलते, तो इसलिए इनकी जो जीडीपी थी वो यहाँ पर कोलैप्स होती आप लोगों को नजर आई इनकी जो इकोनॉमी थी, और यहाँ पर खस्ता हालत इतनी हो गई कि इनने सिटीजन को बोला कि जिसके पास में जितने डॉलर है इक्का दुक्का वो लाकर जमा कर दो श्रीलंका के बैंक के अंदर में, ताकि ये सिचुएशन को कंट्रोल कर सके, लोगों को बाहर जाने से मना कर दिया ताकि बाहर जाकर फालतू में पैसा न उड़ा जाए और यहाँ पर कंट्री के अंदर जो है वो करेंसी बनी रहे। बहुत सारे ऐसे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिले, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एडिटोरियल में जब भी आएगा होने का धड़ाके से इसको पटक पटक कर मारेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर एक छोटा सा ये आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है अभी रिसेंटली जो नीरज बिश्नोई है, ये यहाँ पर एक वो पर्सन है जिसको बुल्ली भाई ऐप का क्रिएटर यहाँ पर माना जा रहा है और ये उसको ऑपरेट कर रहा था, जिसमें जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको ऑनलाइन खरीदी और बेची की काम यहाँ पर चल रही थी, जिसके चलते यहाँ पर ये इशू सामने निकल गया है। अभी बोला जा रहा है कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहा है पुलिस के साथ में, ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, मार रहा है, वो सारी चीजें जो भी होती है मतलब ड्रामा करने वाली चीजें। देखो आज के डेट में ना सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि जो बच्चे हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जल्दी पैसा कमाने की एक तो ऐसी होड़ लग चुकी है लोगों के अंदर में, ऐसा लगता है रातों रात जो है वो लखपति बन जाए, ठीक है, करोड़पति बन जाए, पर लेकिन अगर रियलिटी में आप लोग चीजों को समझोगे तो आप लोग ये समझना पड़ेगा कि एक प्रोसीजर के थ्रू अगर जाओ, बच्चा पैदा जो 9 महीने में होता है तो ऐसा नहीं कि आप लोग कोशिश करो कि 5 महीने में पैदा कर दो, वो बच्चा जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, तो एक मेहनत के थ्रू जाओ, शॉर्टकट मत ढूंढो, मेरा हमेशा ये सजेशन रहेगा। अगर कुछ भी काम करना है, बॉडी बनानी है, तो उल्टे सीधे आप लोग प्रोडक्ट मत खाओ, प्रॉपर नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को लेकर चलो, अपनी बॉडी के अंदर फैट कंटेंट आप लोग कम करो, वो चीजें आप लोगों को रखनी चाहिए, ये सारे सजेशन है, बाकी तो आप लोग वही करेंगे जो आप लोगों को करना है। बाकी यहां पर LCA इसके बारे में बात करेंगे और Mach 1 ये बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में जून के अंदर फ्लाइट देखने को मिलेगी। इसके अंदर बात करें तो ईयर एंड तक 2023 तक का यहां पर काफी अच्छे लेवल पर हमारे देश में इसको रोल आउट किया जाएगा, तो ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। तो इसके चलते कुछ मैं आप लोगों को बातें बताता हूं, ये है क्या, हमारी कंट्री में तेजस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो तेजस के कई सारे वेरियंट है, जैसे तेजस यहां पर ट्रेनर हो गया, LCA यहां पर नेवी का हो गया, LCA तेजस नेवी Mach 2 हो गया जिसके बारे में बात की जा रही है, LCA तेजस Mach 1 हो गया, LCA तेजस Mach 2 यहां पर अलग अलग है, ठीक है, एक तरीके से एक एयरफोर्स के लिए कोई नेवी के लिए, तो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, यहां पर ये नेवी वेरिएंट हो गया Mach 2, ठीक है, यहां पर आप लोग देखते हैं इस तरीके से फास्ट इनकी स्पीड आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो 2 वाला है वो काफी ज्यादा और, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में कुछ इसके बारे में अगर आप लोगों को बताऊं तो आप लोग चीजें समझ पाएंगे। जैसे कि यहां पर इसको बोलते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है, ये प्रोग्राम जो था 1984 में हमारे देश में स्टार्ट किया गया था और एरोनॉटिकल जो डेवलपमेंट एजेंसी है ADA उसके द्वारा स्टार्ट किया गया था कि LCA नाम का कोई प्रोग्राम चलना चाहिए ताकि MiG-21 को रिप्लेस किया जा सके, क्योंकि इतने सारी दुर्घटना हमारे देश में जो देखने को मिल रही है वो MiG-21 की वजह से देखने को मिल रही है, जो दुनिया भर के क्रैश आप लोगों को देखने को मिले थे, ठीक है। रंग दे बसंती मूवी में भी सर, रंग दे बसंती थी ना मूवी, आमिर खान वाली सर मूवी थी ना उसमें, जिसमें पायलट की डेथ हो जाती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बताइए, क्या वही स्टोरी थी ना, तो उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलता था, इसी इशू को यहां पर उठाया गया था, ठीक है। डिजाइन किया जाता है यहां पर एरोनॉटिकल जो डेवलपमेंट एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और मैन्युफैक्चर यहां पर किया जा रहा है बेसिकली जो LCA है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है हमारे देश की, हल्का सस्ता टिकाऊ एक हम खुद का अपना एक ऐसा व्हीकल बना रहे हैं जो कि यहां पर आप लोग बात करें एयर टू एयर
एयर टू सरफेस काफी अच्छा इसका आप लोगों को बेसिकली जो वेपन छोड़ने का भी एक अच्छा आप लोग टारगेट बोल सकते हैं। एयर टू एयर फ्यूलिंग की जा सकती है, ये अच्छा है। मैक्सिमम जो लोड है यहाँ पर वो 4000 किलोग्राम तक ले सकता है। स्पीड जो है 1.8 मैक आप लोगों को देखने को मिलेगी और जो रेंज है एयरक्राफ्ट की वो लगभग 3000 किलोमीटर तक चीजें देख सकते हैं आप लोग। बाकी यहाँ पर LCA जो मैक 2 है ये एक नेक्स्ट जनरेशन की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। 4.5 जनरेशन इसको बोला गया है, इसी के साथ में रिप्लेस करेगा मिराज 200 को। ये कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिमांड में रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर बोल दे कि ये किस लिए ला रहे हैं MiG 21 को रिप्लेस करने के लिए, यहाँ पर अगर पूछा जाए मैक 2 किसके लिए ला रहे हैं, मिराज को रिप्लेस करने के लिए, तो ये सारे बूढ़े हो चुके हैं हमारे देश में एयरक्राफ्ट, उनको रिप्लेस करने की बात की जा रही है। तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यहाँ पर यूज किया जाता है जो कि 90s में हमारे द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया था, जैसे LCA प्रोग्राम MiG 21 को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। तो ये सारे काम जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को देखने को मिलेगा। सुबह दो बार करा रही है तब जाकर गला खुला। अगर बात करें 2025 में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी जिसके चलते जो है चीजें आगे चल रही है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यानी कि यहां तक इसको बोला जा रहा है आगे चीजें आएंगी। तो साइंस और टेक के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, अगर आप लोग एनडीए सीरीज की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोगों से डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कंफ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर बात की जा रही है कि आप लोग अगर कुछ भी लाइफ में अगर कोई काम करते हैं तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। यहां से दिखा दिया इनके द्वारा दो आईटी के बंदे हैं, इनके द्वारा जो पेंटिंग होती है ना स्टेशन पर जो पेंटिंग की जाती है, तो इनके द्वारा मेट्रो स्टेशन पर पेंटिंग की गई, लगभग 24 मेट्रो स्टेशन जो दिल्ली के हैं वहां पर पेंटिंग की गई और अभी कोलकाता का भी कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं को मिल चुका है। तो इनके द्वारा एक इंटरेस्टिंग बात बोलेगी जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी। कोलकाता को आप लोगों को पता ही है जॉय ऑफ सिटी भी बोलते हैं, ठीक है, सिटी ऑफ जॉय। अगर बात करें तो इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगी कि आज की डेट में इनके द्वारा बोला कि हो सकता है कि हमारे जो फेलो मेंबर हैं वो हमसे ज्यादा पैसा कमा रहे हो, हमारे जो बैचमेट हैं, पर लेकिन आज की डेट में हम जो है अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, जो काम अच्छा लग रहा है हमको वो कर रहे हैं, यानी कि पैसा मैटर नहीं करता है, ठीक है। पैसा इंसान कहीं भी इतना कमा सकता है कि कोई सोच भी नहीं सकता अगर वाई, पर लेकिन खुशी हो सकता है आप लोगों को वहां पर न मिले, तिल तिल कर आप लोग मरते रहे। तो पैसा एवरीथिंग नहीं होता है, पैसा रिक्वायरमेंट है हर जिंदगी की, उसके बिना काम नहीं चलेगा, पर लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इतना पैसा कमाओ कि जिंदगी एंजॉय कर सको, पर लेकिन उसको लिमिट में रखो कि अपनी खुशी भी आप लोग एंजॉय कर सको, ठीक है। आगे चलते हैं यहां पर, ये अभी COVID-19 के लगभग लास्ट 222 दिन के अंदर में सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिले हमारे देश में, तो थोड़ा सतर्क हो जाइए यार, 1,41,986 के करीब केस निकल कर आए, तो काफी बड़ी बात है। और बोला ये जा रहा है कि थर्ड वेव आने के चांसेस लग रहे हैं और ये वेव जो है वो ओमिक्रॉन लेकर आएगा। ओमिक्रॉन किस देश में से निकल कर आया जरा बताइए तो, और इसका जो एक जो नाम है B1 point something वो क्या है वो आप लोग को बताना है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोवैक्सीन दवाई दी जा सकती है 15 से लेकर 18 साल के जो भी यहाँ पर एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोग इनको प्रोवाइड करा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप लोग को दवाई लेनी है तो इस एज ग्रुप में आप भी ले सकते हैं। आगे अगर बात करें यहाँ पर घड़ियाल के बारे में बात की जा रही है, ओरेंग नेशनल पार्क के अंदर में घड़ियाल को लाया जा रहा है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, ओरेंग नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा याद रखते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर के आसपास में आप लोगों को देखने को मिलते हैं यहाँ पर, बेसिकली ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है उसके बारे में आप लोगों को मैंने कई बार बताया भी है, आप लोगों को पता होगा ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, जब हम लोग अपने देश के बारे में बात करते हैं काफी लंबे एरिया में यहाँ पर रोल प्ले करती नजर आती है। खासकर ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है यहाँ से जब निकलकर चलती है, वैसे इसको सेंगपो बोलते हैं, यारलंग सेंगपो या फिर सेंगपो तिब्बत के अंदर यानी कि चाइना के अंदर, और फिर आगे चलती है यहाँ पर इंडिया के अंदर एंट्री करती है, तो इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। जैसे ये जाकर गिरती है यहाँ पर किसके अंदर, बांग्लादेश के अंदर में, तो इसको यहाँ पर यमुना बोलते हैं, यमुना नहीं जमुना, हमारे वाली रिवर है यमुना, ठीक है, ये है जमुना। जब यहाँ पर गंगा आती है यहाँ पर जाकर बांग्लादेश में घुसती है तो उसको पद्मा बोलते हैं, जब दोनों मिलकर आगे चलते हैं तो उसको मेघना बोल देते हैं। तो यहाँ पर याद रखेगा जो सुंदरवन डेल्टा है तो मेघना रिवर के बारे में याद रखेगा, मैंने आप लोगों को बताया भी था। अच्छा, मैंने अभी कल भी आप लोगों से डिस्कस किया था एक आइलैंड के बारे में यहाँ पर जिसमें एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसका नाम आप लोगों को बताना है कौन सा आइलैंड है, मैंने कल मैप में भी आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है, इस तरीके से हमारे देश में काफी प्यारे प्यारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो हल्का सा आइडिया उसके बारे में आप लोग रख सकते हैं। अभी यहाँ पर ओरेंग नेशनल पार्क है कहाँ, एक अकेला नहीं है, आसाम के अंदर कई सारे नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक तो डिब्रू सिको नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और राजीव गांधी या ओरेंग नेशनल पार्क आप लोग कहां पर देखने को मिलेगा, ये है बेसिकली आसाम के अंदर में। एग्जैक्ट लोकेशन भी आप लोग इसकी देख सकते हैं जहां पर ये बात की जा रही है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर है यहाँ पर, तो इसी में यहाँ पर बेसिकली इनको लाने की कोशिश की जा रही है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए अच्छे से बता दिया, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर आगे बात करें, एक और छोटी सी न्यूज है यहाँ पर, इथियोपिया के अंदर यहाँ पर अभी दिक्कतें देखने को मिल रही है टाइग्रे वाले रीजन में। तो आज आप लोगों का मैं बेस्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, टाइग्रे वाले रीजन को जाकर देखेगा, इसके बारे में कई बार डिस्कस कर चुका हूं, फिर आप लोगों को आगे इसके बारे में डिस्कस तो जरूर होगा, आने वाले टाइम में ऐसा इशू है जो चलता रहेगा और लंबे समय से चलता हुआ है। देखिए रेगुलर न्यूज़पेपर सुनने का पता है क्या फायदा होता है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को ऐसी हैं जो इशू बने हुए हैं पुराने समय से। ईरान न्यूक्लियर डील हो गया, आज से थोड़े ना चल रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से चला हुआ है, ओबामा ने तो निपटा दिया था, लेकिन रेगुलर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसलिए अगर चीजों को
कंटिन्यूअसली आप लोग रखते हैं तो कोई दिक्कत है आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। मालदीव जो है वो चाइना के साथ में डील कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसके चलते जो चाइना है अब मालदीव के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम कर पाएगा। तो अभी यहाँ पर पाकिस्तान को और श्रीलंका को अपना शिकार बनाने के बाद में मालदीव की ओर बढ़ता हुआ चाइना उसको अब डेट क्राइसिस में बेस्ट क्राइसिस में फंसाएगा, तो देखो क्या होता है। आगे बात करें यहाँ पर, ये काफी बड़ी बात है और आप लोगों ने देखा होगा अब वुमेन चीफ जस्टिस के बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया कि जुडिशरी में वुमेन का पार्टिसिपेशन, ठीक है। अभी यहाँ पर पाकिस्तान में पहली वुमेन जज बनी है, बड़ी बात है, आयशा मलिक है इनका नाम जो कि पहली जज बनी है। तो देखने वाली बात है कि कोई ऐसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, एक नहीं पैट्रियार्कल सोसाइटी में ऐसी चीजों को छोड़कर आगे निकल कर आता है, तो बड़ी बात है, अप्रिशिएट करने लायक। आगे बात करते हैं साइंस और टेक के ऊपर भी, यहाँ पर एक न्यूज है, यहाँ पर जेब्रा फिश के बारे में बात की जा रही है। साइंस और टेक के ऊपर देखिए आर्टिकल जो आते हैं ना वो सारे वो रहते हैं जो अभी टेस्टिंग जोन में रहते हैं कि ऐसा टेस्ट किया जा रहा है, ऐसा कुछ हो चुका है। तो यूपीएससी कभी भी आप लोग टेस्टिंग जोन के जो आर्टिकल रहते हैं ना उस पर क्वेश्चन नहीं पूछती है, यूपीएससी हमेशा पूछती है जो ऑलरेडी कुछ इतने जो सक्सेस हो चुका है, कुछ इंप्लीमेंट हो चुका है। तो यहाँ पर अभी बात की जाए तो जो टेस्टिंग जोन में रहते हैं किसी यूनिवर्सिटी ने कोई टेस्ट कर लिया वो वाली चीजें नहीं, जब तक अप्रूवल नहीं मिल जाए। टेस्ट तो चलते रहते हैं, दुनिया भर के हजारों टेस्ट होते हैं, तो मेनली कोशिश क्या करो कि बेसिक चीजों पर आप लोग फोकस करा करो जिसको जनरल साइंस बोलते हैं। तो उसके लिए एनसीईआरटी सबसे पहले आप लोग एटलीस्ट कंप्लीट करनी चाहिए, जो कि मेरा सजेशन है, बाकी तो आप लोग वही करोगे जो आप लोग को अच्छा लगता है, पर एक छोटा सा सजेशन है, ठीक है। इसके बारे में बताता हूँ आप लोगों, जो हमारा दिमाग होता है वो बेसिकली एक न्यूरल नेटवर्क से मिलकर बना होता है। आप लोगों ने देखा होगा, कई बार सुना भी होगा, मैं आप लोग बोलता हूँ चीजों को रिवाइज करो, जब आप लोग रिवाइज करते हैं ना तो ये न्यूरल नेटवर्क आप लोगों के कनेक्ट हो जाते हैं और ये आगे बढ़ते हैं बेसिकली एक दूसरे के साथ में, जब कनेक्ट होते हैं ये आप लोगों को रिकॉल करने में हेल्प करते हैं काफी ज्यादा। तो ये न्यूरल नेटवर्क के अंदर आप लोगों को अगर बोला जाए तो काफी इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो यहाँ पर बताई गई किसके द्वारा, नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस बेंगलुरु के द्वारा। तो इनके द्वारा जब यहाँ पर स्टडी की गई तो बोला गया दो तरीके के आप लोगों को देखने को मिलेंगे, केमिकल और इसी के साथ में इलेक्ट्रिकल। तो केमिकल और इलेक्ट्रिक तरीके से यहाँ पर जो बेसिकली काम करते हैं सिग्नल भेजे जाते हैं, ठीक है। तो न्यूरल जो है वो कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल के अंदर में, और फिर केमिकल जो है वो रिलीज किया जाता है जिसके बेस पर ये चीजें आप लोगों को दिमाग के अंदर कई सारी देखने को मिलती है। तो ये स्टडी की जा रही है, तो इसके चलते चला है कि अगर जेब्रा फिश के ऊपर स्टडी की गई है कि एक तरीके से ब्रेन जो है वो मेक्स इट्स कनेक्शन, यानी कि अपने कनेक्शन बनाता है। तो ये बातें इनके द्वारा यहाँ पर बताई गई है, और यहाँ पर जो भी एक्सपेरिमेंट इनके द्वारा किया जा रहा है ये है TALEN, तो टैलन आप लोग याद रखिएगा, ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर एक्टिवेटर लाइक इफेक्टिव जो है यहाँ पर बेसिकली है न्यूक्लियस, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, ये एक जीन कटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा जो कि यूज की जाती है और उसके ऊपर नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। चलिए क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, जीन कटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसेंटली अभी नोबेल प्राइज मिला था और नोबेल प्राइज की सारी वीडियो मैंने बना रखी है, ठीक है, उसको देख लेना, रिविजन भी आप लोगों को हो जाएगा, पता होना चाहिए आप लोगों को, ओके। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर बोला गया कि पृथ्वी के ऊपर जो भी आप लोगों को ऑक्सीजन देखने को मिलती है वो आप लोगों ने सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उससे निकल कर आती है, पर लेकिन अभी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइंड किए गए हैं जो समुद्र के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे बेसिकली कई बार, या फिर आप लोग बोल सकते हैं ये काफी एक तरीके से ऐसे हैं कि जो बिना जो रोशनी के भी यहाँ पर एक तरीके से ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, पर लेकिन ये स्पेसिफिक एरिया में है और काफी कम क्वांटिटी में, तो इसलिए ज्यादा इन चीजों के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, ये बात आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर आज के दिन जो ये FAQ आता है जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, तो इसमें आप लोगों को बताया बेसिकली वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है, टीनेजर को देनी है, इसी के साथ में वैक्सीन का जो डेटा है उसको किस तरीके से आगे लेकर चलना, बूस्टर डोज देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन जो महिलाओं के साथ में कुछ गलत इस तरीके की छेड़खानी की जाती है, यहाँ पर जो बुली ऐप जैसे हैं उनको यहाँ पर किस तरीके से लेकर चलना चाहिए, तो ये सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आगे भी आने वाले हैं और यहाँ पर अभी भी आ रहे हैं, तो इनको आप लोग बेसिकली इग्नोर कर सकते हो क्योंकि मैक्सिमम तो चीजें आप लोग कवर हो रखी हैं और आगे भी कवर होती रहेंगी, ठीक है। तो इसमें वही सारी बातें बताई गई घुमा फिराकर कि वैक्सीन जो है 15 से लेकर 17 साल के लोगों को कैसे देनी है, यहाँ पर बूस्टर डोज लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, आगे आने वाले टाइम में जिसको देने की बात की जा रही है तो किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है, पहले जिन लोगों को डोज नहीं मिला उनको दे दो या फिर बूस्टर डोज लगाने स्टार्ट कर दो। इसी के साथ में जो वुमेन है जो बुली सुली डील या फिर जो बुली ऐप है कैसे लेकर चलना है, हमारी कंट्री में क्या रूल और रेगुलेशन है, तो IT एक्ट के थ्रू यहाँ पर चीजों को कंट्रोल करने की बात की जाती है कई बार कि यहाँ पर इन चीजों को रोकना है, तो IT एक्ट जो है यहाँ पर उसके अंदर पनिशमेंट का रहता है अगर कोई ऐसी हरकतें करता है, तो सेक्सुअल हरासमेंट के लिए भी यहाँ पर पनिशमेंट देखने को मिलेगा इंडियन पिनल कोड के तहत। तो कई सारे बेहतर हैं, जिस सेक्शन 66E हो गया IT एक्ट का, ठीक है, सेक्शन 35(4) सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बात करते हैं, तो ये कई सारे अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है तो हमारी कंट्री में ऑलरेडी इसके बारे में बातें बोली गई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी यहां पर आप लोगों को पता है अभी यहां पर एयर इंडिया के बारे में आप लोगों ने सुना था, एयर इंडिया जो है बेसिकली उसकी जो डील है वो यहां पर भी जो है वो एक तरीके से आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो एयर इंडिया के बारे में तो आप लोगों के आर्टिकल कई सारे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहाँ पर जो डील है बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये जो शेयर होल्डर है इसके अंदर और भी हैं, तो मतलब एक तरीके से इसको डील को कैसे आगे लेकर चल रहे हैं, तो कितनी वर्थ इट ये डील हो सकती है, तो इसके बारे में कुछ बातें की जा रही है। तो आगे कुछ फिर कुछ आर्टिकल आएंगे तो अच्छे से आर्टिकल को कवर कर लेंगे, ठीक है।
तो ये है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिकली, जो कि आप लोगों को कुछ एक आइडिया मोटा मोटा होना चाहिए, ठीक है। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर एक और जो न्यूज है यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी नोवाक जोकोविच के बारे में। ऑस्ट्रेलिया ओपन में जाने से रोक दे तो काफी बड़ा इशू बन गया कि दवाई इंसान को लेना है, उसका खुद का हक है, उसको खुद को डिसाइड करने दो, आप लोग कौन होते हो डिसाइड करने वाले। तो ये भी एक काफी बड़ा इशू अभी देखने को मिला, ठीक है। बाकी ये है सुडोकू जो कि आप लोग अटेम्प्ट करना है, और ये है कल का सुडोकू जो कि मैंने आप लोगों से पूछा था अटेम्प्ट करते हो कि नहीं करते हो। थोड़ा सा टाइम दिया करो, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा, काफी अच्छे से आप लोग चीजों को एंजॉय करोगे और आप लोग का जो दिमाग है वो भी स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पूछे थे कई सारे बच्चों के द्वारा, काफी ऐसे से आंसर दिए गए, इसी तरीके से पार्टिसिपेट किया करो यार, अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर देते हो। सेरेडो के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी कि कहां पर ये देखने को मिलते हैं, तो सेरेडो बेसिकली एक घास का मैदान आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ये कहां पर, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप या फिर एशिया। तो सही आंसर है इसका क्या, सही आंसर है इसका ए, यानी के साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका में भी कहां पे, ये ब्राजील के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट मैप आप लोगों के सामने। तो जो शाम को 8:30 बजे वीडियो आती है, ये सारे पॉइंट्स जो है जो क्वेश्चन में आप लोगों को देता हूँ उसमें डिस्कस करते हैं हम लोग, और ताकि आप लोगों का रिवीजन भी यहाँ पर साथ साथ में होता रहे तो आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पर ऑलरेडी क्विज में आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि सारा एक कंबाइंड स्टडी आप लोगों की होती रहे। तो ये डिटेल में मैंने टॉपिक भी आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसको लगे कि यार कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराना है तो कौन सा आर्टिकल यहाँ पर ये पावर देता है, आर्टिकल 141, 142, 143 या फिर 144। तो आर्टिकल कौन सा है यहाँ पर, ये है 142, यानी कि 142वां आर्टिकल जो है ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो फुल जस्टिस यहाँ पर प्रोवाइड कराए। मैंने जब आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस किया था राइट टू प्राइवेसी के बारे में, तो और भी बहुत सारी बातें मैंने यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस की थी कि हमारी कंट्री में जो प्राइवेसी है उसको किस तरीके से देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्राइवेट इंसान जो है वो प्राइवेटी में, वो एक तरीके से प्राइवेट जगह पर ही इंसान की प्राइवेसी होती है, पब्लिक में भी अगर इंसान चाहे तो अपनी प्राइवेसी रख सकता है, ये बातें यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई। इसी के साथ में अगर आप लोगों को लगता है उसका वॉयलेशन हो रहा है तो आर्टिकल 21 के तहत उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया है के एस पुत्तास्वामी केस के बाद में, तो डायरेक्ट आप लोग कोर्ट जा सकते हैं, ये बातें भी हम लोगों ने डिस्कस की थी। इसी के साथ में और भी कई सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक एक करके बताई थी, जिसमें से यूथनीजिया भी एक था यहाँ पर, कि इंसान जो है वो अपनी इच्छा से अगर मृत्यु लेना चाहे, अगर पैसिव यूथनीजिया हमारे देश में अलाउ की जाती है, यानी कि काफी लंबे समय से अगर कोई इंसान जो है लाइफ सपोर्ट पर टिका हुआ है और उसकी जान नहीं जा रही है, कईयों साल हो गए, 5-7-10 साल हो गए, तो उसको लाइफ सपोर्ट को अगर हटा दो तो इंसान की जान चली जाएगी। इससे जो उसके परिवार वालों के ऊपर जो बर्डन पड़ रहा था, तब से उसको यहाँ पर मेडिकल सपोर्ट पर रखा हुआ है, उनकी जान जा रही थी कहीं ना कहीं, और इंसान जो है लग नहीं जाता ठीक होगा, तो कम से कम उनको थोड़ी राहत मिलेगी। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इवन हम लोगों ने बात की थी अगर किसी को अबॉर्शन कराना है तो वो भी यहाँ पर इंसान की खुद की उसकी बॉडी है, तो उसकी प्राइवेट बॉडी है, तो उसका खुद का अधिकार है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में लगता है यहाँ पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को, तो आर्टिकल 142 का यूज करके ये कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि कई बार क्वेश्चन बन जाता है। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल था यहाँ पर जो बेसिकली आप लोगों से पूछा गया था, बोला गया था कि कौन से स्टेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ डैम्स यानी कि बांध आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो सही आंसर मैंने डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर समझाया था कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा बांध है, अगर बात करें तो यहाँ पर 1845, मध्य प्रदेश में इसके आधे हैं भाई साहब, ठीक है, 905, गुजरात के अंदर फिर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे बेसिकली ये है 666, ठीक है, यानी कि 666, तो इतने नंबर हैं। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा डैम आप लोगों से कोई पूछ ले कहां पर है, तो ये चाइना के अंदर है, दूसरे नंबर पर यहाँ पर यूएसए के अंदर, तीसरे नंबर पर हमारा देश आता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और हमारे बाद में है यहाँ पर जापान जो कि काफी कम है, और फिर है ब्राजील। तो टॉप 5 कम से कम आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। बाकी मैंने फायदे क्या होते हैं इनके, वो सारे फायदे भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए थे, तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। गांधी सागर जो डैम है उसके बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि अभी क्या है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि ये जो डैम है ये खतरे के निशान के साथ में घूम रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई भी दिक्कत जल्दी ही देखने को मिल सकती है। तो कहां पर ये लोकेटेड, तो चंबल रिवर के ऊपर है यहाँ पर ये, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। तो कौन सा आंसर सही था यहाँ पर, तो आंसर था यहाँ पर बी से, यहाँ पर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर चंबल रिवर पर ये डैम बनाया गया, और काफी बुरी कंडीशन यहाँ पर इसकी आज की डेट में देखने को मिल रही है। पहले भी यहाँ पर ये बेसिकली टूट चुका है, इसके अंदर दिक्कतें निकल कर आई है, फिर से यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल कर आ सकती है, तो इसके ऊपर ध्यान देकर चलना चाहिए। आखिर कैप को क्यों आना पड़ गया यहाँ पर, भाई साहब जो वहां पर ऑलरेडी रखवाले हैं जो यहाँ पर रेगुलेट करते हैं वो क्या कर रहे हैं,
वो सो रहे हैं बेसिकली, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। उनको जगाने के लिए कैग को आना पड़ा। और कैग क्या है यहाँ पर? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर जानते हैं आप लोग संविधान में कौन से नंबर का आर्टिकल है कैग से रिलेटेड, बताइए जरा। और प्रेजेंट टाइम पर जो कैग है वो काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में थे जब जम्मू एंड कश्मीर को एक नई यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, उस टाइम पर ये काफी ज्यादा न्यूज में रहे थे। ठीक है, तो बताइए उन पर्सनैलिटी का नाम क्या है जो कि आज की डेट में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। संजू के द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए, इसी तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करते रहना है। कई सारे बच्चे जो है वो काफी डिटेल में आंसर लिखते हैं, काफी मजा आता है आप लोग के आंसर देख के। मैं आप लोगों से इसी तरीके से कोशिश करता हूं कि आप लोग भी चीजें इसी तरीके से अच्छे से पार्टिसिपेट करिए, अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर देते हैं। ठीक है, तो आंसर अपना जरूर लिखा करो और इसी तरीके से लिखने की प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी और इसी से आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आना स्टार्ट हो जाएगा। और डिसाइड किया करो मॉर्निंग में जो भी आप लोगों को डिसाइड करना है और इवनिंग तक कोशिश किया करो उसको अचीव करने की, तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आप लोग लंबे समय तक अपने आप को अपडेट रख पाओ। और पब्लिकली कोई चीज अगर लिख देता है ना इंसान, तो लंबे समय तक उसको बेसिकली याद भी रख पाता है। सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी आंसर आप लोगों को बता चुका हूं, गांधी सागर डैम के बारे में बता दिया। बाकी यहां पर अलग अलग इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे जिनको बोला था किस किस राज्य से यहां पर ये निकल कर आते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डिस्कस की थी यहां पर, तो इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं। बाकी यहां पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 1976 में किया गया था, ये था यहां पर जिसमें एजुकेशनल फॉरेस्ट या फिर प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल और बर्ड या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, ये ऐसी चीजें थी यहां पर जिसके बारे में बात करते हैं, जो कि स्टेट लिस्ट से हटाकर यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट में हमारे द्वारा डाले गए थे। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेडली कई बार पूछा जा चुका है। एक पॉइंट यहां पर इनके द्वारा ये बेसिकली बच गया जो कि आप लोग ऐड कर सकते हैं, टोटल 5 इसके अंदर यहां पर ये सब्जेक्ट थे। ठीक है, तो पांचवें नंबर रखा था वेट्स एंड मेजरमेंट, तो उसको भी ट्रांसफर किया गया, यानी कि एजुकेशन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, और यहां पर पांचवें नंबर का था ये था बेसिकली जिसको बोलते हैं हम लोग वेट्स एंड मेजरमेंट। तो 5 ऐसे सब्जेक्ट थे जो कि यहां पर ट्रांसफर किए गए थे स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी कि राज्य की सूची से समवर्ती सूची में इनको ट्रांसफर किया गया था, तो ये काफी इंपोर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात की थी, 2022 तक सबको यहां पर एक अच्छा घर प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी आप लोग को देखने को मिलेगी, और ये अर्बन के लिए भी है यहां पर, दोनों के लिए यहां पर ये स्कीम आप लोग को देखने को मिलती है। जुवेनाइल एक्ट है जो हमारे देश में, उसमें जो एज होती है बेसिकली जो लड़कों की एज 16 और लड़कियों की एज यहां पर 18 आप लोग को देखने को मिलती है, तो ये आप लोगों के सामने कुछ इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए लेकर आप लोगों को। ये है आज की आप लोग की वोकैबुलरी जो कि आप लोग की डिक्शनरी को इंप्रूव करेगी। आप लोगों को कुछ नए शब्द यहां पर मिलने जा रहे हैं जिनको अपनी लाइफ में अगर आप लोग यूज करोगे तो इंग्लिश भी आप लोग की इंप्रूव होगी, आंसर राइटिंग भी आप लोग की इंप्रूव होगी, तो कोशिश करा करो इन शब्दों को यूज करने का, वरना डेली 5 शब्द आते रहेंगे और ऐसे ही पड़े रहेंगे, आप लोग अगर यूज नहीं करोगे तो कोई मतलब उनका रह नहीं जाता है। रोब का मतलब होता है लूटना, ठीक है, अनलॉफुल तरीके से किसी की प्रॉपर्टी को अपने अंडर में लेना, फोर्सफुल तरीके से उसको रोब बोलते हैं। इसी के साथ में अवॉइडेड, इसका मतलब होता है बचाना या फिर एस्केप, अवॉइड करना चीजों को, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। इक्विटेबल का मतलब होता है एक तरीके से न्याय संगत, फेयर या फिर इम्पार्शियल। इनोकुलेट मतलब होता है टीका लगाना, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखते हैं जो कि वैक्सीन वगैरह देना। इसी के साथ में पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, यानी कि एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट करना स्टेटमेंट के बीच में, उसको पैराडॉक्स बोलते हैं। तो ये 5 जो वोकैबुलरी है डेली आप लोगों को मिलती है जो कि आप लोग याद रखिए, खासकर इनको यूज करिए सेंटेंस में, तो लंबे समय तक आप लोग याद रख पाएंगे। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन यार, जरूर बताना। अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो वो भी बताना, उसको दूर किया जाएगा। इसी के साथ में सारी पीडीएफ आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, सारी चीजें एक जगह इकट्ठी आप लोग को मिल जाएगी। और यहां पर भी आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल है, यहां पर भी कई सारी चीजें अपडेट की जाती है, तो उनको भी आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। और हो सकता है शाम को आज थोड़ी सी आप लोग की जो नैनो मैगजीन है वो लेट आए, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है कुछ दिन, तो आप लोग उसको मैनेज कर लेना। बाकी सारी चीजें जो है फिर आप लोगों को पैटर्न में मिलती हुई नजर आएंगी, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो कि मुझे मैनेज करनी पड़ जाती है कई बार, तो उसको आप लोग थोड़ा सा बस सपोर्ट कीजिए, बाकी तो सारी चीजें आप लोगों को चीजें मिलती रहती है टाइम पर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, जब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।